हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी सेक्शन। तो इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग मिक्सर एंड एलिगेशन का, और इससे पहले कई सारे मास्टर वीडियो आप लोगों को मिल गए हैं। जैसे हाल ही में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वीडियो गया था, तो उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो को रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद बात करेंगे हम लोग मिक्सर एंड एलिगेशन का। तो उसमें देखिए, समझिएगा, जो मिक्सर एंड एलिगेशन का जो पहला टॉपिक देखा, अगर पहले आप रेशियो कर लीजिएगा उसके बाद मिक्सर एंड एलिगेशन, क्योंकि एलिगेशन का ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मिक्स ये रेशियो में हमने पढ़ रखा है। तो इसमें कम क्वेश्चन मिलेंगे आपको बुक में भी, जहाँ किरण की बुक से करवाता हूँ, तो आपको किरण के बुक से भी यहाँ पे कम क्वेश्चन है, 68 के आसपास क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से कीजिएगा आप लोग। देखिए, एलिगेशन का रूल ये कहता है, यहाँ पे जैसे देखिए कोई दो चीज़ें मिलाई जाती हैं और उसको एक बीच के रेट में बेचा जाता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़, महंगी चीज़ और सस्ती चीज़ को मिला के उनको एक रेट तय किया जाता है, जो महंगी से कम, मतलब जो महंगा वाला आइटम हो उनसे कम हो और सस्ता वाला आइटम से ज़्यादा हो। जैसे देख लीजिएगा, अगर मान लीजिए कोई भी चीज़, जैसे चावल, गेहूँ, कुछ भी ले लीजिए, 20 रुपये किलो है। ठीक है, और यहाँ पे एक है 15 रुपये किलो, दूसरी आइटम और पहला आइटम, और उन दोनों का जो आइटम का बीच का रेट बनेगा, यानी जो रेट बनेगा वो बनेगा 20 से तो कम होगा और 15 से ज़्यादा हो जाएगा। तो कुछ भी रख लीजिए, अगर मान लीजिए मैं 18 रख देता हूँ, ठीक है, तब एलिगेशन का एक और रूल कहता है, यहाँ से देखिएगा, जो बड़े वाले साइड से आपको माइनस करना है, यानी तो बड़ा वाला 15 और 20 में क्या क्या बड़ा दिख रहा है बताओ, तो आप बताएंगे 20, तो यहाँ से माइनस कीजिए, 20 से 18 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब देखिए फिर से ऐसे माइनस कीजिएगा और इसको यहाँ पर लिखिएगा, तो 18 से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो अगर इसको देखिए, कट तो रहा है नहीं, रेशियो बन गया ये, अगर वैल्यू भी बनेगा तो देखिएगा, जो 20 रुपये प्रति किलो था वो कितना मिलाया गया था, 3 किलो, और जो 15 रुपये प्रति किलो था वो कितना मिलाया गया था, तो 2 किलो मिलाया गया था। इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे उसमें। तो देखिए, जैसे एक चीज़ समझिएगा आप, जैसे अगर मान लो प्रॉफिट परसेंट और ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट भी दिया गया है, तो नीचे निकल के क्या आता है हमारे पास, सीपी आती है, यानी कॉस्ट प्राइस आता है। समझिएगा चीज़ों को, बातों को समझिए। देखिए, आप बताएंगे सीपी क्यों आता है, ये चीज़ यहाँ पे क्यों बताया गया, ये क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखने को मिला होगा। और देखिए, जब मान लीजिए लॉस परसेंट दे रखा है, लॉस परसेंट ही दे रखा है, तो नीचे क्या निकल के आएगा, सीपी। सीपी इसीलिए निकल के आएगा क्योंकि प्रॉफिट और लॉस किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, तो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, जो क्रय मूल्य होता है उसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो यहाँ से चलेंगे हम लोग एलिगेशन के मेथड से। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पहला क्वेश्चन जो आपके बुक से होगा, और इससे पहले आप रेशियो का वीडियो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ भी यूज हुआ है एलिगेशन का। अब यहाँ से बात करेंगे क्वेश्चन पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में कहा गया है, एक बर्तन ए में अम्ल और पानी, एक बर्तन ए है, देख लीजिए जो बर्तन है, ये बर्तन ए में अम्ल और पानी कितना है, 5:2। एक दूसरा बर्तन भी है बी, जिसका रेशियो कितना है, 8:5 अम्ल यानी एसिड एंड वाटर का, और तद अनुसार उस बर्तनों के एक मिश्रण के किस अनुपात में मिलाया जाए, जो नया वाला बर्तन में जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 9:4 का। किसका बनेगा ये 9:4 का, तो किस अनुपात में मिलाया जाए ये आपको पता करना है यहाँ से। तो ये रेशियो आपको क्या करना है, पता करना है। ठीक है, देखो पहले बर्तन में 5:2 था, दूसरे बर्तन में 8:5, तीसरे बर्तन में डाला गया तो 9:4 आया, तो किस अनुपात में मिलाना चाहिए ये आपको निकालने के लिए बोला गया। तो समझिएगा, देखिए 5:2 पहले क्या करेंगे, जब तीसरे बर्तन में डालने से पहले तीनों बर्तन की क्षमता को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ले आइए 8:5 और ये कितना हो जाएगा 9:4, तो 5×2 कितना हो जाएगा 7, 8×5 कितना हो जाएगा 13, और 9×4 कितना हो जाएगा 13, यही तो हो जाएगा आपके पास। अब लेके आइए यहाँ पर, देखिएगा तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो कितना 91 हो जाएगा, 7 से कितने बार में जाएगा 13 बार में, 13 से कितने बार में जाएगा 7 बार में, और 13 से फिर से 7 बार में। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है 13, 7, 7, तो किसी साइड, चाहे आप ए की साइड लेके चले या बी की साइड लेके चले, किसी भी साइड ले जाके आप माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ से जिस साइड छोटी वैल्यू हो उस साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका कैलकुलेशन आसान पड़ जाएगा। तो देखिए 13 को अगर मैं 2 से इंटू करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, बिल्कुल। 7 को 5 से करूँ तो कितना, 35 हो जाएगा,
और 7 को 4 से करो तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा क्या? अब मन माइनस कर दीजिए, बड़े वाले साइड से माइनस करेंगे तो 35 से जब 28 जाएगा तो 7, और 28 से 26 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। यानी जो आपका आंसर निकल के आएगा, ये जो मिलाया गया होगा वो किस अनुपात में मिलाया गया होगा, तो 7:2 के अनुपात में मिलाया गया होगा, और ये ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7:2 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्या किया था मैंने, जो जो रेशियो दिया गया था वो सारी रेशियो मैंने नोट डाउन कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, और सबको जोड़ के 5 और 2 7, 8 और 5 13, और 9 और 4 13, सबको मैंने क्या करा, डिवाइड करके, और किसी एक साइड, इस साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बताओ, 13 को 5 से करोगे 65, 7 को 8 से करोगे कितना 56, और 9 को 7 से करोगे कितना 63। यही क्या, 8 से 56, ठीक है, 13 53 65 हो जाएगा, 8 से 56 हो जाएगा, और 9 से 63। देखिए अब इधर से माइनस कीजिए कितना हो जाएगा बताओ, 2, और इधर से माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा, इधर से 56 4 और 3 7, तो यहाँ से भी 7:2। दोनों साइड से किसी भी साइड से अगर आप जाएंगे तो कितना आएगा बताइए, 7:2 ही आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे क्या कह रहे हैं, यहां से देखिएगा, समझिए, 2 बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 और 2:3 है, यानी इसमें 4:3 हो जाएगा और ये 2:3 हो जाएगा। सी बर्तन में किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि जो नया बर्तन होगा उसमें आधा आधा हो जाएगा, तो आधा आधा का मतलब ये होता है दोस्तों 1:1 हो जाएगा, या 2:2 मानोगे तब भी 1:1 आ जाएगा। तो सबको जोड़ लीजिए, आइए दूसरे क्वेश्चन पे, 4 और 3 कितना हो जाएगा बताइएगा, 7 हो गया, 2:3 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और 1:1 कितना हो जाएगा, 2। जब इन सबों का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा बताइए, 7 × 5 = 35 × 2 = 70 हो जाएगा क्या, 7 से भाग करेंगे तो 10 आएगा, 5 से भाग करेंगे तो 14, और 2 से भाग करेंगे तो कितना, 35। किसी साइड इंटू कर लीजिए, देखिए मैं इस साइड अगर करता हूँ तो 10 को अगर 3 से गुना करूँगा कितना हो जाएगा, 30, 14 को 3 से करूँगा कितना हो जाएगा, 42, 35 को 1 से करूँगा कितना हो जाएगा, 35। इस साइड माइनस, बड़े से माइनस कीजिए कितना, 7 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 7:5, और ये ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल पहला क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन ऐसा ही था, और इस क्वेश्चन का अंदाजा आप लगा सकते हैं 2011 में कई बार, फिर 12 13 14 15 तक ये क्वेश्चन बार बार सेम टाइप के क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में रिपीट किए गए, चाहे CHSL हो, CGL हो या MTS हो, तो सारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट किए गए। ठीक है दोस्तों, तो ये किस में मिलाया गया, 7:5 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन क्या कहा गया, देख लीजिए। समझिएगा, 20 लीटर और 36 लीटर के 2 मिश्रण है जिसमें स्प्रिट और वाटर है। देखिए पहला मिश्रण है जिसमें 20 लीटर है, उसका रेशियो कितना है, 3:7। दूसरा बर्तन है जिसमें 36 लीटर है, उसका रेशियो कितना है, 7:5। तो मिश्रण और जल को एक जगह कर लिया। अब ये बताइए मेरे को, 7 और 3, देखिए यहाँ पर ले आइए, यानी 3:7 है ना, तो यानी 10, दोनों को जोड़ दिया, 10 = 20, ये वाले, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने आ गए, 2 आ गए। तो अगर 3 में अगर आप 2 से इंटू करते हो तो कितना, 6 हो जाएगा, और 7 में अगर 2 से इंटू करते हो तो कितना, 14, यानी स्प्रिट 6 लीटर हो जाएगा, और वाटर कितना हो जाएगा, तो 14। चलिए अब यहाँ पर लेके आइएगा, देखिए 7 और 5 है, तो 7:5 यानी 12 = 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकल के कितना आ जाएगा, 3। तो देखिए जब 3 आई तो 7 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 21, और 5 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 3 से तो 15 हो जाएगा। अब देखो स्प्रिट के साइड में जोड़ोगे, जब 6 को 21 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 27 हो जाएगा क्या, और 14 को 15 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29। बताएंगे ऐसे क्यों जोड़ा, तो क्योंकि चूंकि ये वाटर है और ये भी, सॉरी ये स्प्रिट है और ये भी स्प्रिट है, ये वाटर है और ये वाटर है, तो स्प्रिट को आप स्प्रिट के साथ जोड़ेंगे और वाटर को वाटर के साथ जोड़ेंगे, तो 27:29 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर।
ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको बताओ मैं आपको, तो आप ये कर सकते थे, इसको डायरेक्ट दिमाग में रख के डायरेक्ट डेटा को ऐड कर सकते थे, इतना काम इसको आसानी के लिए कर सकते थे आप इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या कहा कर रहे हैं इसमें। देखिएगा पहले क्वेश्चन समझा देता हूं आप लोगों को। देखिए ए और बी में सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु है जिनमें धातुओं को क्रमशः 7:3 और 7:11 के अनुपात में मिलाया गया मिश्रित करके एक तीसरा मिश्रण सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं के बराबर मात्रा मिलाई जाए तो सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। देखिए यानी ये कहा गया दो बर्तन है, ठीक है, जिसका अनुपात कितना है बताइए 7:2 और ये कितना हो जाएगा 7:11 और तीसरे बर्तन में डाल दिया गया तो इसका अनुपात आपसे पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर चेंज कर देता हूँ मैं। चलिए 7:2 और ये कितना हो जाएगा 7:11, ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो जाएगा 18। तो बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे ये बताइए मेरे को। तो बराबर करने के लिए अगर ये 18 है तो इसको 2 से गुना कर देंगे आप और 1 को नीचे से गुना कर देंगे, है ठीक है। चलिए अब ले आइए वहाँ से, देखिएगा तो 2 से गुना इधर भी हो जाएगा, 2 से इधर भी हो जाएगा यानी कितना 7 × 2 = 14 हो जाएगा और ये कितना 4। 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, तो जोड़ लीजिए 14 और 7 कितना 21 और 11 और 4 कितना हो गया बताओ 15। जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15। फिर से जो ये क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 7:5 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 7:5 ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ऐड करने के लिए बोला था ना तीसरे बर्तन में, तो तीसरे बर्तन में हमने दोनों को जोड़ दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते क्या कह रहे हैं। चलिए एक बर्तन में एक ऐसा तरल पदार्थ भरा है जिसमें 3 हिस्सा जल का, देखिए वाटर का कितना है 3 हिस्सा और सिरप का कितना है 5 हिस्सा, कितना भाग निकाल कर उसके बदले डाल दिया जाए तो ताकि मिश्रण आधा आधा हो जाए, आधा आधा हो जाए। अब ये वो तो बोला जल डाला जा रहा है तो सिरप तो बराबर ही होगा, तो सिरप को 5 × 2 कर दीजिए बराबर करने के लिए सिरप को, इधर भी 5 से हो जाएगा, ये कितना 5 और ये 5 हो गया यानी 8 और अब कितना हो गया ये 10। तो ये पूछा जाए जो कितना भाग उसमें निकाल कर मिलाया गया था, तो देखिएगा वाटर कितना मिलाया गया था टोटल 2, ठीक है, और टोटल मिश्रण था कितना तो 10, तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा यहाँ से 1/5 यानी 5 पे 1 मिलाया गया होगा, ठीक है, और 1/5 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इन क्वेश्चनों को एक्स लेके भी कर सकते थे आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, एक डब्बे में 2 द्रव हैं जो ए और बी में 7:5 के अनुपात में है, जब 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और डब्बे बी को भर दिया जाता है तो देखो टोटल मिश्रण में से 9 लीटर निकाला जाता है और जो 9 लीटर डाला जाता है ओनली बी में डाला जाता है, ठीक है, तो 7:9 हो गया, तो डब्बे ए में ए की मूल मात्रा यानी पहले जो था उसमें ए में कितने लीटर मिश्रण था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ए और बी का दोस्तों जो पहले रेशियो था 7:9, अगर मैं बताऊं अगर ऑप्शन देखें और कौन सा क्वेश्चन अगर आपका सही लग रहा है तो देखिए समझिएगा। देखिए ये कहा गया ऑप्शन ए में कौन सी मात्रा है, तो अगर ऑप्शन ए अगर आप यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है जैसे 10, तो समझिए आप, देखिए एक चीज तो आंसर तो यही आपका होगा जो 7 से डिविजिबल हो यानी 7 से जो कट रहा हो, तो कौन सा हो जाएगा 21 हो जाएगा आंसर, सिंपल सा। क्वेश्चन का लॉजिक में कुछ करना ही नहीं था, प्रूफ कर लेता हूँ मैं। अगर मान लीजिए 21 है कि नहीं, देखिए अगर मान लो ये 21 है तो 3 से गुना हुआ है तो ये भी 3 से गुना हुआ होगा, है ना, 7:5, ठीक है, 7:5 था। अगर टोटल मिश्रण कितना है ये बताओ 36, 9 निकाल लिया गया तो कितना बचेगा 27, रेशियो कितना था उसका 7:5 का यानी 12 = 27, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगी
सत्ताईस बटे बारह यानी तीन नम्बे सत्ताईस और तीन चौके बारह चार बटे नौ आएगी, एक यूनिट की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, यहाँ से चार नौ बटे चार इसमें मल्टीप्लाई करना, और नौ बटे चार इसमें कितना, तिरसठ बटे चार रेशियो पैंतालीस बटे चार हो गया। क्या ये कहा गया, बी में नौ लीटर डाला गया है, अगर बी में मैं नौ लीटर डालता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये बताओ, नौ चौक छत्तीस, छत्तीस पैंतालीस में जोड़ोगे तो कितना होगा, तिरसठ बटे चार रेशियो एड कीजिए इक्यासी बटे चार हो जाएगा क्या, चार से चार कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो है नौ से काटेंगे नौ सौ तो तिरसठ और नौ नौ में इक्यासी, यानी जो फाइनल रेशियो बना था हमारे पास कितना बना था, सेवन रेशियो नाइन का। और देखिए लास्ट में जो रेशियो बना था ए और बी का अनुपात सात रेशियो नौ ही था, यानी हमारा ये प्रूफ भी हो गया जो ट्वेंटी वन ही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो स्मार्टली तरीके से आप इसमें टिक करके निकल सकते थे, सॉल्यूशन करने की जरूरत भी नहीं थी इस क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन का। क्वेश्चन नंबर सात की बात करने वाले हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेवन आपके स्क्रीन पे देख लीजिए। एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात चार रेशियो तीन है, उसमें पांच लीटर जल और मिला दिया जाए तो अनुपात चार रेशियो पांच हो जाता है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का अल्कोहल की मात्रा कितनी थी, देखिए ये समझिए। अब एक चीज दोस्तों, जैसे अल्कोहल एंड वाटर चार रेशियो तीन था, ठीक है, अब देखिए चार रेशियो पांच हो गया, पांच लीटर जल मिलाया गया, पांच लीटर जल मिलाया गया तो अल्कोहल की मात्रा तो सेम होनी चाहिए, क्योंकि अल्कोहल के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई, ओनली जल मिलाया गया है। तो जल जब अल्कोहल बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, कितना जल मिलाया गया यहाँ पे दो, क्वेश्चन में कितना मिलाया गया था पाँच, तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी हमारे को, पाँच बटे दो। अल्कोहल पूछा गया कोई सा भी ले लीजिए, अल्कोहल की मात्रा तो सेम ही थी, दो यानी कितना अल्कोहल रहा होगा, दस लीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगर अल्कोहल की मात्रा बराबर नहीं होती तो हम लोग अल्कोहल की मात्रा को बराबर करते, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में तो बराबर दे ही रखा था तो फिर बराबर हमें करने की जरूरत नहीं थी। अब बात करेंगे दोस्त, समझिएगा क्वेश्चन को, सॉल्यूशन आप लोग पहले कर लीजिएगा क्वेश्चन देख के, ठीक है, जो ये मास्टर वीडियो है मिक्सर एंड एलिगेशन का। चलिए क्वेश्चन नंबर एट की बात कर रहे हैं हम लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर एट में क्या कहा गया, दो मिश्र धातुओं में जस्ता और टीन पांच रेशियो दो के अनुपात में तथा तीन रेशियो चार के अनुपात में है, मिश्र धातुओं को ए को सात किलोग्राम और बी को इक्कीस किलोग्राम मिलाकर कोई नई मिश्र धातु बनाई गई है, तो नई मिश्र धातु में जस्ता और टीन का रेशियो क्या होगा। जब देखिए रेशियो पूछा गया है तो केजी को भी रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, देखिए कैसे, जैसे देखिए ए अच्छा ए और बी में जस्ता और टीन था ना, ए जस्ता एंड टीन यानी कॉप जिंक एंड टीन, तो देखिए समझिए पांच रेशियो दो और तीन रेशियो चार बराबर करेंगे कितना सात, तो ये दोनों दोस्तों बाय डिफॉल्ट पहले से बराबर है, क्वेश्चन और आसान हो गया आपको। देखो अगर ये ए है और ये बी है तो ए में कितना मिलाया गया था सात किलोग्राम और बी में कितना मिलाया गया था इक्कीस किलोग्राम, तो इसको रेशियो में चेंज कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन रेशियो में दिया हुआ है, तो चेंज कर लीजिए सात तीन इक्कीस तीन से कटेगा ये। अब देखो समझो मेरी बात, पाँच को एक से इंटू कीजिए कितना हो जाएगा पाँच, दो को एक से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा दो, इस तीन को तीन से इंटू कीजिए कितना हो जाएगा नौ, और सात को तीन से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा ठीक है तीन रेशियो अच्छा तीन रेशियो चार था तीन रेशियो चार था ठीक है, तो चार को तीन से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये बारह, जोड़ लीजिए नौ और पाँच कितना हो जाएगा चौदह, बारह और दो कितना हो जाएगा दोस्तों चौदह आ जाएगा, रेशियो पूछा गया था तो कितना आ जाएगा बताओ आप लोग, वन रेशियो वन निकल के आ जाएगा सामने, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बताएंगे कैसे, तो समझिए देखिए जैसे पाँच और दो दो, दो थे जास्ता और तीन दो गैलन थे, ये कह सकते हैं जैसे मान लीजिए दो गैलन थे ठीक है ए, जिसका रेशियो दिया गया है पाँच रेशियो दो, और दूसरा था बी
जिसका रेशियो दिया गया जिंक और तांबा का, जिंक और टिन का 3:4, और उन दोनों को जो मिलाया गया वो 7:21 के रेशियो में। तो नया में रेशियो पूछा गया था, तो ये रेशियो कितना निकल के आया, 1:1 निकल के आ गया हमारे पास। ठीक है, जब बराबर नहीं होता तो बराबर करते आप देखते आए हैं चीज़ों को मैथ में, जो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, चीज़ों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये भी चीज़ें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की बातें करेंगे। यहाँ से देखिएगा, मिक्सर एलिगेशन से पहले अगर आप लोग रेशियो का चैप्टर नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको मास्टर वीडियो का। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। समान क्षमता के दो कंटेनर हैं, पहले दूध और पानी का अनुपात 3:1 और दूसरे में 5:2 है, तो उन्हें मिश्रण को मिला दिया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात किस में होगा। देखिए समझिएगा, अगर दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, दूसरे वाले कंटेनर में 5:2 है, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। जब बड़े मिश्रण में डालेंगे तो रेशियो को बराबर करना पड़ेगा उसको, तो बराबर कर लीजिए, यानी ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे 4 से कर लीजिए, तो 7 से यहाँ भी करना पड़ेगा, 7 से यहाँ भी करना पड़ेगा, 4 से यहाँ भी और 4 से यहाँ भी करना पड़ेगा। अब समझिए दोस्तों, 7 कितना हो जाएगा 21 और 5 कितना हो जाएगा 20, दोनों को 20 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, निकल के 41 आ जाएगा। सेम 7, 1 को 7 से गुना किए तो 7 और 4 को गुना करेंगे तो कितना 8, 8 और 7 कितना होता है तो 15। तो जो रेशियो निकल के आएगा 41:15 यानी 41:15 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आपने रेशियो प्रोपोर्शन में भी किया होगा, ठीक है, और मिक्सर एलिगेशन में भी आप लोग कर रहे हो उसको। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बातें करेंगे हम लोग, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहा गया, यहां से जो कोई बर्तन है, ठीक है, 20 लीटर एसिड है, उसमें 20 लीटर एसिड दिया गया है, उसमें से 4 लीटर एसिड निकाल कर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है, और ये 4 निकाल दिया और वही बर्तन में उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है, यानी एक बार और किया जाता है, तो बर्तन में बचे एसिड की मात्रा और प्रारंभ में एसिड की मात्रा कितनी होगी ये बताइए। देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया, कोई बर्तन है जिसमें 20 लीटर एसिड है, जिसमें से 4 लीटर एसिड निकाल कर इसमें से 4 लीटर क्या किया जाता है, पानी फिल कर दिया जाता है, तो कितना एसिड बचा वो देखिए। एक काम कीजिएगा, देखिए अगर 4 लीटर पानी एसिड निकाला गया 20 पे, अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूँ तो कितना 1/5, अगर 5 एसिड होता तो एक एसिड एक पानी मिलाया जाता, यानी एक एसिड बचता, समझिएगा। देखिए तो 5 पे एक बचता तो कितना हो जाता 4, यह प्रक्रिया 2 बार की गई थी तो कितना 4। ये फाइनल, देखिए ये तो फाइनल मिश्रण जो पहले था, और ये क्या होता है जो एसिड बचा हुआ है उसमें, बचा हुआ एसिड ठीक है, ये कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 16। तो ये पूछा गया आपसे बचा हुआ एसिड और पहले जो एसिड था उसकी मात्रा रेशियो पूछा गया है, तो बचा हुआ 16 और पहले कितना था 25, तो ये आपका रेशियो निकल के कितना आ जाएगा 16:25 का, और 16:25 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब दोस्तों बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर देखिएगा, 3 किस्मों की चाय के मिश्रण में जिसके वजन का अनुपात 4:5:8 है, और पहली किस्म की चाय 5 किलोग्राम और दूसरी किस्म की चाय 10 किलोग्राम, तो तीसरी किस्म की चाय कुछ मात्रा में मिलाई जाती है, तो उसका रेशियो 5:7:9 हो जाता है। देखिए 4:5:8 और अगेन क्या हो जाता है 5:7:9, तो यहाँ पे कितना ऐड किया गया 1, यहाँ पे कितना 2, तो देखो 1/5 यानी 2/10 लोग तब 1/5, तो कितना मिलाया गया होगा ये बताओ 9। अगर 5 ये बताया गया जो तीसरी किस्म की चाय की मात्रा कितने किलोग्राम थी, तो 9 × 5 अगर करते हो तो कितना आ जाएगा 45 किलो, और 45 किलो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही आंसर, और 45 किलो उसका मिश्रण था सी का। जैसे ये मान लो ए है, ये बी, और ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहा गया है उसमें। क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, 11th है, 12 देखते हैं, समझिए। दो मिश्र धातुओं में टीन और लोहा क्रमशः 1:2 और 2:3 के अनुपात में, इन दोनों मिश्रण के धातुओं को, मिश्र धातुओं को 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो नई बनी मिश्र धातु में टिन और लोहे का अनुपात क्या रहा होगा। तो देखिए, टिन आयरन कितना है बताओ, 1:2 और 2:3, तो कितना हो जाएगा ये बताओ, थोड़ा सा स्पेस दे दो यहाँ पे, ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ मैं। 1:2 2:3, पहले उनको बराबर कर लीजिए आप, तो 2 कितना हो जाएगा 3, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो ऊपर 5 से इंटू कर दीजिए, नीचे 3 से इंटू कर दीजिए, यही तो होगा। अब एक चीज़ समझिए दोस्तों, 3:4 के अनुपात में, तो डायरेक्ट यहाँ से 5 में 3 से गुना कर दीजिए और इसमें 4 से गुना कर दीजिए, 3:4 में मिलाया गया, तो ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 12। अब 15 से 1 में गुना करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 15 मिलेगा, ठीक है। 15 से 2 में गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। 12 से अगर आप 2 में इंटू करोगे तो 24 मिलेगा, और यहाँ पे 12 से इंटू करोगे तो कितना, 36 मिलेगा, ठीक है। आप जोड़िए कितना हो जाएगा, 5 4 9 2 1 3, और ये कितना हो जाएगा, 6 3 3 6, कट रहे गए, बिल्कुल कट रहे, 3 1 3 3 3, सॉरी ये 66 हो जाएगा ना, और 3 2 6 3 2 6, तो 13:22 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ये 3:4 क्वेश्चन में दिया गया था दोस्तों, जो देखिए अगर डायरेक्ट भी नहीं कर, एक बार और करके करना चाहते तो फिर से पहले 5-5 से गुना कर लेते, 3-3 से गुना कर लेते, जो आता है उसको 3 और 4 से इंटू करते, तब भी वही आंसर आएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए देखिए, अगर इस क्वेश्चन को एक बार दो बार अगर आप लोग देख लेते हो वीडियो, तो फिर समझ में आ जाएगा, उम्मीद करता हूँ मैं। ऊपर नीचे इसलिए गुना किया था बराबर करने के लिए, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की देखिएगा, 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 100 किलोग्राम और ए को 60 किलो मिश्र धातु ए को 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी को, यदि ए को सीसा और टिन 3:2 और बी में टिन और तांबा 1:4 टिन की मात्रा, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए जैसे मैं बताऊं, ए का, ए में क्या मिश्र धातु में टिन, सीसा और टिन की बात किया जाए तो कितना, 3:5 = 60, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। टिन पूछा गया, टिन में गुना कीजिए ओनली, 24 किलो टिन आ जाएगा ए वाले से। और दूसरा बी की बात करेंगे हम लोग, तो बी में देखिएगा, बी में एक तो आपका टिन है यहाँ पे बी में, और दूसरा क्या है, तांबा कॉपर, ठीक है। देखिए रेशियो कितना है उसका, 3:1:4 का 5 = 100, क्योंकि बी वाला 100 किलो है, तो 5 से अगर आप 100 को काटोगे तो कितना, 20 बार में जाएगा क्या। टिन पूछा गया तो ओनली टिन में गुना कीजिए, कितना हो गया बताओ, 20 किलो, तो 24 किलो प्लस 20 किलो अगर आप ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा बताओ, 44 किलो टिन आ रहा होगा, और 44 किलो टिन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 44 किलो क्या रहा होगा उसमें दोस्तों, तो 44 किलो टीना रहा होगा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहा गया, सब ये मेंस के क्वेश्चन थे, थोड़ा सा आसान था क्वेश्चन, अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो एक दो बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, अगेन सॉल्यूशन तो आपको समझ में अच्छे से आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन तो करवा रहा हूँ मैं बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे हम लोग, देखिएगा, समान आयतन वाले 3 गिलास में पानी के साथ मिश्रित अम्ल यानी वाटर एंड एसिड है, देखिए 3 मिश्रण है यहाँ से, ठीक है, जिसका रेशियो है 2:3, 3:4 और 4:5, उन सबों को 1/4 मिश्रण में डाल दिया गया है, तो उनका रेशियो आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले कितना था, 2:3
3:4 और 4:5 ये पूछा था, तो बराबर करेंगे इसको। समान आयतन बोला है तो यानी बराबर तो करना पड़ेगा उसको, सब आयतन को। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। जब तीनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो एलसीएम भी लेने का सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, तीनों को अलग अलग नंबर है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 × 7 × 9, ठीक है। जब अगर 5 से इंटू करोगे तो कितना बचेगा 9 × 7 = 63, 7 से भाग करोगे तो 9 × 5 कितना 45 बचेगा, 9 से भाग करोगे तो 7 × 5 कितना 35 बचेगा। सिंपल सा बिना एलसीएम के तरीके से भी आप जा सकते हैं उसको लेके। अब लेके आइए वहाँ से, देखिए इस 63 को 2 से गुना कीजिए कितना हो रहा है 126, और 63 को 3 से करेंगे तो कितना 189। 3 × 3 = 18, 45 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 40 × 120, और 5 × 5 = 15, 1 × 4 = 12, 1 × 13 = 135, ठीक है दोस्तों। चलिए अब 45 को 4 से करेंगे तो कितना 180, 35 को 4 से कीजिए 300 × 120, 500 × 20 = 140, और 35 को 5 से कीजिए 30 × 5 = 150, 25 × 25 = 175, ठीक है। चलिए अब जोड़ दीजिए 9 × 5 = 14, 9 × 5 = 14 कितना बचा 1 बचा, 8 × 3 = 24, 2 बचा, 3 और 2 = 5, 544 है क्या, देखिए 544 तो ऑप्शन बी, इसको भी चेक कर लीजिए, 6 × 5 = 11, 1 बचा, ठीक है। 4 × 3 = 7, 2 × 9 = 10, 1 × 3 = 4, तो 401:544, 401:544 ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है आपका। थोड़ा कैलकुलेशन था इसमें, लेकिन मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन को हटा दिया आप लोगों के पास बस यहाँ से, फिर उसके बाद तो देखो ये छोटा छोटा कैलकुलेशन था, ये तो आप गुना कर लेंगे, टेबल याद रखिएगा। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का। ये सभी के सभी क्वेश्चन लेटेस्ट है, तो देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम लोग 15 का, ठीक है। सेम ग्राफ के थ्रू बनाना है उनको, बट उसको देखिएगा जैसे कितना रेशियो है उसका, 4:1, ठीक है, 3:1 और 5:2, यही था। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना 5 हो जाएगा, इसका कितना 4 हो जाएगा, और इसका कितना 7 हो जाएगा। जब अगर आप एलसीएम लेते हो इनका तो कितना आ जाएगा बताओ, 5 × 4 × 7 आ जाएगा एलसीएम। जब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 कट जाएगा, 7 × 4 = 28, 4 से भाग करोगे 7 × 5 = 35, 7 से भाग करोगे तो 20, ठीक। आप समझिए एक चीज़ और, तो उनका जो अनुपात था दोस्तों 3:4:5 में मिलाया गया था, तो यहीं पे 3 से आप इंटू कर लीजिए इसको, 28 कितना होता है 84, 20 = 60, 8 × 3 = 24, इसको 4 से गुना कीजिए 300 × 120, 500 × 20 = 140, इसको 5 से कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 84 को 4 से गुना कीजिए आप कितना हो जाएगा ये बताओ, मैं यहाँ पे एक बार जोड़ लेता हूँ, 8 × 4 = 16, 1 बचा, 8 × 32 = 33, 336 हो गया, और इधर जोड़ेंगे तो कितना 84 आ जाएगा। अगर 84 को 1 से गुना करोगे तो आगे 140 को 3 से गुना करोगे 14 × 3 = 42, 420, और ये कितना हो जाएगा 140, 1 से गुना करोगे तो 100 को 5 से गुना करोगे तो 500, और 100 को 200 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 200, ठीक है। जोड़ लीजिए 4 × 8 = 12, 2 × 3 = 424, 6 हो जाएगा, 3 × 2 = 5, 5 × 4 = 9, 10 × 11 = 12, 1256। अब देखिए यहाँ से ये लीजिए रेशियो बनाते हैं, 1256:4:4, ठीक है। अब लेके आइए काटिए, 3 से कटेगा 4 × 4 = 8, 4 × 4 = 8, 2 = 10, ये तो नहीं कटेगा, तो 2 से कटेगा, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, ठीक है। 2 कैसे हो जाएगा, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 2 × 8 = 16, अब ले चुके थे 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, फिर से 2 से काटिए 2 × 6 = 2, 2 × 6 = 8, 2 × 0 = 2 = 12, ये होगा क्या। फिर से 2 से काटिए 2 × 2 = 10, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 6, यानी 157 है क्या रेशियो 153, बिल्कुल। देखिए 157:153 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। थोड़ा सा कैलकुलेशन था क्योंकि जो क्वेश्चन भी किसका, ये भी मेंस 2016 का क्वेश्चन है,
तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तक अगर आपको आता है, देखिए अगर आपको आता है मान लीजिए, तो कैलकुलेशन के द्वारा आप जब करेंगे तो खुद स्पीड के तरीके से करेंगे। ये तो मैं समझाया हूँ आप लोगों, इसलिए इतना टाइम लगे। तो जब खुद स्पीड से करेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन दे भी दें, एक मिनट दे भी देंगे आप, डेढ़ मिनट दो मिनट तो क्वेश्चन बन रहा है, तो दो नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे ना यहाँ पे। और दूसरी बात दोस्तों, आप लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन आसान है उस पर कम समय दीजिए, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट थोड़ा सा टाइम ले रहा है उसको दे दीजिए। अगर आसान क्वेश्चन पे आपने टाइम लगा दिया तो ये क्वेश्चन छूट जाएंगे, लेकिन अगर आसान क्वेश्चन पे आपने टाइम नहीं दिया तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। और यही सब क्वेश्चन जो है सिलेक्शन के द्वार तक, या मैं कहूँ सिलेक्शन पार कराता है आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे देखिएगा। कोई दुकानदार किस अनुपात में 12 रुपये प्रति किलोग्राम और 7 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को मिश्रित किया जाए और पूरे मिश्रण को बोल के 8 मूल्य को 8 रुपये प्रति किलोग्राम बेच दिया जाए। सिंपल दिख रहा है ये तो, एलिगेशन लग रहा होगा है ना। लगो बड़े वाले साइड से माइनस करो, 4 हो जाएगा और ये कितना, तो 1:4 के अनुपात में मिलाना चाहिए उसको। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर है। किस अनुपात में मिलाना चाहिए दोस्तों, तो 1:4 के अनुपात में उसको मिला देना चाहिए, एलिगेशन रूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। दो प्रकार के पीतल और तांबे और जस्ते का अनुपात, पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 8:3 और 15:7 है, तो किस अनुपात में मिलाया जाए। पीतल को पिघलाकर 5:2 के अनुपात में मिश्रित कर दिया जाए तो नए पीतल बन जाता है, जिसमें तांबे और जस्ते का अनुपात आप लोगों को बताना है। तो चलिए रेशियो, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे भी किया भी है। तो 8:3 और 7 दोनों को जोड़ लीजिए, कितना 8 × 3 = 11 और 15 × 7 कितना 22, तो दोनों को बराबर करना है। बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, इधर 2 से इंटू कर दोगे तो इधर 1 से गुना करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से इंटू करने का तो हटा दीजिए उसको। अब चलिए देखिए, तो 5:2 के अनुपात में मिलाया गया, तो 2 को 5 से गुना कर दीजिए कितना हो गया 10, सब लेके आगे बढ़ना है आपको, और इसको 2 से इंटू करना था तो 2 को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। अब चलिए 10 को 8 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 80, 10 को 3 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 30, 2 को 15 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 30, और 7 को 2 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 14। चार चार और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 0, 110 काटे क्या 11 देने 110 और 11 × 44, 2 से काटे 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, तो जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों 5:2 के अनुपात में मिला दिया गया होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। किस अनुपात में मिलाया गया होगा तो बताएंगे आप लोग, ये 5:2 आप बताइए। देखिए 2 से इसलिए इंटू किया क्योंकि ये 22 था, तो इसको भी 22 बनाना था पहले 22, फिर 5:2 में मिलाना था, तो 5 ऊपर गुना किया 2 नीचे गुना कर दिया, तो 5 × 10 से गुना करना था सब में। अब 80 30 और 2 से कितना 15 × 2 = 30 और 7 × 2 = 14, फिर रेशियो निकाल के जो आया वही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 18 चलिए देखिए, इसमें यह कहा गया दोस्तों 2:3 3:4 और 7:5 के अनुपात में सिरप और पानी के मिश्रण को 3 बोतलों में रखा गया, ठीक है। यदि बोतल में 10 लीटर दूसरी बोतल में 21 लीटर तो लीटर मिश्रण लिया गया, तो तीसरी बोतल को किस मात्रा में मिलाई जाए जिसमें तीनों बोतलों से लिया गया अनुपात बराबर हो जाए, यानी 1:1 आ जाए, मतलब बराबर हो जाए। तो चलिए देखते हैं, लेके आइए देखिए, जैसे ए कितना 2:3 है पहले वाले में, क्वेश्चन में 5 हो गया, क्वेश्चन में कितना लिया गया था 10, 5 × 10 यानी 2 × 4 और 3 × 6, पहले से कितना लिया गया बताइए, सिरप चार लिया गया होगा और पानी 6 लिया गया होगा। दूसरे वाले भी बर्तन में देखिएगा 3:4 यानी 7 बराबर है केस, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3, तो 3 × 9 हो जाएगा और 4 × 12। अब देखो इसमें सिरप कितना हो जाएगा टोटल दोस्तों 13, इसमें सिरप कितना हो जाएगा ये बताओ 18, 12 और 6 को जोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब एक बात समझते हो, उसी में से तीनों मिश्रणों को बराबर करके लेके चलना है, तो अब देखिए 13 प्लस
7x अपॉन में 12, क्योंकि 7 और रेशियो 5 में बांटना था उसको, 7 और 5 कितना होगा 12। यहीं पे अगर 18x+5x अपॉन में 12, ये तो लेके जाएंगे हम लोग। तो अब देखिए, जब यहीं पे बात करूँ मैं 2x अपॉन में 12, 7x में से इक्वल टू 12, 5x जाएगा तो कितना 2x/12 इक्वल टू 18 से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 5। अगर 2 से काट दोगे 12 को 6 बार में तो x बराबर निकल के क्या आएगा आपका 30, और जो तीसरा बर्तन था तो तीसरा बर्तन का कितना रहा होगा जो कैपेसिटी है या कितना मात्रा लिया गया होगा, तो 30 लीटर लिया गया होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों, तो सही आंसर था उसका। अब यहाँ से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का। अब 19 क्वेश्चन में देखिए, आपने रेशियो में क्वेश्चन किया होगा अर्थ वाला, जो अर्थ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हल किया जाएगा, तो ट्रैक कीजिएगा आप लोग इसको, अगर याद हो आप लोगों को टेक्निक अर्थ वाला जो मैंने बताया था आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 19, किसी नीले और पीले रंग के चित्र में, देखिए कोई नीले और पीले रंग के चित्र है, ब्लू एंड येलो कलर के जो चित्र है उसमें क्या कहा गया आपसे, पीले जैसे नीले और पीले का प्रयोग 4:3 के अनुपात में, जैसे मान लीजिए ये पूरा चित्र है दोस्तों जो ब्लू एंड येलो में, ठीक है। अब उसमें से ये कहा गया ऊपरी हिस्से यानी जो ये जो ऊपर का हिस्सा है ये 2:3 में, और ये पूरा जो रेशियो है दोस्तों ये 4:3 में, तब पूछा कि निचले हिस्से का अनुपात क्या होगा। तो चलिए लेके आते हैं, देखिए जैसे पूरा कितना रेशियो था 4:3, मतलब पूरे गोले का स्फीयर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, और अपर साइड लिख देता हूँ, अपर साइड कितना है 2:3 का, बराबर कीजिए 7 हो गया, ये कितना 5 हो जाएगा, 5 तो बराबर करोगे 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, 7 से नीचे मल्टीप्लाई। अब तो समझो मेरी बात, अगर ये एक भाग और एक भाग रहता तो कितना 2 भाग होता, तो पूरे का पूरे जो स्फीयर का भाग है वो कितना 2, और अपर साइड का भाग का कितना 1 हो जाएगा। तो सिंपल सा 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, और 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हो गया 10, और ये कितना हो जाएगा 7। चलिए 10 को 4 से इंटू कीजिए 40, और 10 को 3 से गुना करेंगे 30, 7 को 2 से करेंगे 14, और 7 को 3 से करेंगे तो 21 हो जाएगा, नहीं होगा ये बताओ। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 26, और ये निकल के कितना आ जाएगा 9। तो जो आंसर निकल के आएगा, माइनस किया हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि देखो बड़े वाले गोले में से ये वाला गोला हटाओगे ऊपर वाला गोला तभी तो नीचे वाले गोले का सह जाएगा, तो कितना हो जाएगा 26:9 ही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, 26:9। तो रेशियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था, और एलिगेशन में भी मिला इस टाइप का क्वेश्चन, बस लैंग्वेज क्वेश्चन का अलग था। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे देखिएगा, चलिए एक लीटर जल का वजन 1 किलोग्राम है, ठीक है 1 kg, एंड 1 लीटर अन्य द्रव 1.340, और दूसरा दर उन सबों को मिलाकर को बेच किस पे रहा है 1.270 प्रति ग्राम, तो 1 लीटर मिश्रण के में उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। सिंपल लिगेशन रूल कह रहा है, देखिए 1 किलोग्राम ये कितना किलोग्राम बताओ, 1.340 हटा दो कोई दिक्कत नहीं, 1.27 अगर माइनस करोगे बड़े वाले साइड से तो इधर से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा ये बताओ, 14 से 7 जाएगा 7 0, यानी 0.07 आ जाएगा, और इधर से 1.27 से 1 माइनस करोगे तो कितना 0.27, यानी 2 अंक के बाद दशमलव कट गया, यानी 7:27 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 7:27 यानी 7:27 क्या होगा इसका, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आसान भी दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल दिए जाते हैं, तो आप दोनों चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे उस पर। चलिए अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 का। ये टाइप 1 चल रहा है, ठीक है, उसके बाद टाइप 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 21 बात करेंगे, देखिएगा एक मिश्र धातु को 2000 रुपये प्रति किलोग्राम और ए
तथा 400 रुपये प्रति किलोग्राम बी को मिलाया गया, और ए और बी का जो रेशियो है दोस्तों 3:1 में, तो इन सब मिश्र धातु को 8 किलोग्राम मिश्र धातु का मूल्य क्या होगा, यानी जो मिश्रण रेट आएगा उस पर 8 किलोग्राम बेचने पे क्या रेट आएगा। तो कोई बात नहीं, समझिए आप, देखिए जैसे ए और बी है ना, इस पर 2000 रुपये प्रति किलो और इस पर 400 रुपये प्रति किलो। अब देखिएगा इन दोनों का जो रेशियो होता है दोस्तों 3:1 का, यही तो है। अब देखो जो मिश्रण निकल के आएगा, जो ये निकल के आएगा बीच वाला भाग, वो तो ए से कम होगा और बी से ज़्यादा होगा, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू से कम और छोटी वाली वैल्यू से ज़्यादा होगा। तो 2000 और 400 को अगर माइनस करते हो तो कितना आएगा, 1600। 4 = 1600 तो एक यूनिट की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी, यहाँ से 400 आ जाएगी। तो इसमें 401 गुना करोगे तो 400 हो जाएगा, और यहाँ पे गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 1200। छोटे वाले जो वैल्यू होता है उसके अपोजिट वाले साइड को जोड़ दो तो 1200 और 400 कितना आ जाएगा, 1600। तो वो 1600 रुपये उसका मिश्रण का रेट रहा होता, तो 1 किलो का रेट कितना रहा होता उसका, 1600 रुपये। लेकिन वहीं पर जब बात किया जाए दोस्तों 1600 एक किलो का रेट है, तो 8 किलो का रेट कितना हो जाता, तो पता होगा 16 + 2 = 0 डाल दीजिए, यानी 12800। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, तो 12800 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है उसका। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। एक जार में फल के रस और पानी का मिश्रण रखा गया है जिसका अनुपात 5:1 है। जब 4 लीटर मिश्रण में 1 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो फल में रस और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, चलिए देखते हैं पहले बेसिक तरीका, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या करना था। जैसे रस और पानी ठीक है, जैसे 5:1। अब समझो मेरी बात, वो क्या कहा गया, जैसे 4 लीटर का मिश्रण था ना, तो 5 कितना, 5 + x = 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकल के कितनी आ जाएगी ये बताओ, 4/5 + x हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ, अगर यहाँ पे 4 + 5/x + x करोगे, यहाँ भी 4 + 5 + x करोगे तो कितना, ये कितना हो जाएगा बताओ, 20/5 + x, और ये कितना आ जाएगा, 4x + 5 + x, यही तो आएगा। अब 1 लीटर पानी मिला दिया गया, तो 1 लीटर पानी मिलाया गया, तो पानी 1 लीटर मिला दो तो कितना हो जाएगा ये बताओ, 20 + 5 + x बराबर ये कितना हो जाएगा, 4x + 5 + x अपॉन में कितना आ जाएगा, 5 + x इंटू कर दिया मैंने सर ये 1 से, ठीक है 5 + x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से अब कितना हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 x बराबर देखो 20 से 5 को माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 15। तो x बराबर निकल के कितना आ गया, यहाँ से 3 आ गया क्या, तो x यानी पानी कितना रहा होता, तो 3 रहा होता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, या एक चीज़ और समझिए मेरी बात, आप जब अगर आप कुछ समझना चाहते हैं थोड़ा सा हटके, तो एक चीज़ समझिए, अगर मैं ऑप्शन से लेता हूँ देखिएगा, तो जैसे कितना है रस और वाटर कितना है बताओ, 5:1, जूस लिख लीजिए उसको, क्या दिक्कत जी, जूस एंड वाटर 5:1। तो अगर मैं ऑप्शन ए बी कुछ भी लेके चलता हूँ, देखिए कैसे वेरीफाई कर रहा है, अगर ऑप्शन ए लेता हूँ 3, तो कितना हो जाएगा, 8 = 4, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितना, 1/2 आ गई। 5 को अगर 1/2 करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 2.5, और 3 को करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.5। पानी 1 लीटर मिला गया तो बराबर होगा, पानी 1 मिला दोगे तो कितना हो जाएगा, 2.5, और ये भी कितना हो जाएगा बताओ, 2.5। तो रेशियो 1:1 आ गया क्या, तो सीधा आपका आंसर आना था, कोई ज़रूरत ही नहीं थी इतना उलझुल करने की। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो दोनों तरीका जो आप बताएंगे, जो ऑप्शन ए में ही सही आंसर था, ऑप्शन बी में भी होता तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी वही होता। ठीक है, एक सेकंड लगता चेक करने में आपको, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग के भी काफ़ी सारे वीडियो हमने डाले हैं, ट्रिकी मैथ्स के नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ, उसमें सारे वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे यहाँ पर जाके। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 23, एक मिश्र धातु में तांबे और टीन का अनुपात 3:2 है,
देखिए, एक मिश्र धातु में तांबे और टिन यानी कॉपर एंटीना कितना, ये बताओ 3:2 है। इस मिश्र धातु में 250 ग्राम तांबा मिला दिया जाता है तो उसमें उपयुक्त तांबे उपस्थित टिन की मात्रा का 2 गुना हो जाता है। तो जो तांबा है वो टिन की मात्रा का 2 गुना हो जाता है। अब ये बताइए मेरे को, मिलाया क्या जा रहा है तांबा, तो बराबर किसको करना पड़ेगा, टिन को। तो पहले टिन 2 था तो इसको भी 2 बनाना पड़ेगा, यानी 2 से इंटू कर दीजिए, यहाँ भी 2 से इंटू कर दीजिए, यानी ये कितना हो गया 4, और ये तो बराबर हो ही गया। अब देखो, पहले 3 कॉपर था, अब कॉपर 4 है, तो कितना कॉपर ऐड किया गया ये बताओ, 1। तो 1 बराबर 250 ग्राम, तो टिन कितना होगा, तो 2 से इंटू कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा टिन हो जाएगा दोस्तों 500 ग्राम। टिन कितना हो जाएगा, तो 500 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। सिंपल में जो मिलाया जा रहा है ना उसको छोड़ कर, जो नहीं मिलाया जा रहा है उन चीज़ों को आप बराबर कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात, एक मिश्र धातु में एल्युमिनियम तथा टिन 4:5 के अनुपात में, तो दूसरे मिश्र धातु में समान तत्वों को 4:7 है, एक नया मिश्र धातु बनाने के लिए उन दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में मिलाई जाए, बिल्कुल ऐड कर देना उन लोगों को। देखिए समझिए, जैसे 4:5 का, ठीक है, और 4:7, तो ये कितना 9 हो जाएगा, और 7 कितना 11, तो ऊपर 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 9 से, देखिए 11 से इधर भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 44, और इधर कितना हो जाएगा 55, 9 × 4 = 36 और 9 × 7 = 63, 6 × 4 = 10, 4 × 3 = 7 = 8, और ये कितना हो जाएगा 5 × 3 = 8 और 6 × 5 = 11, काटे का इसको ये कितना 40 हो जाएगा, और ये कितना होगा 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 18, तो 40:59, बिल्कुल देखिए, और 40:59, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, 40:59 ऑप्शन नंबर डी, यानी 40:59 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करेंगे हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, देखिए एक मिश्रण में तरल ए और तरल बी, यानी लिक्विड ए और लिक्विड बी के पार्ट की बात करें, 5:4 के अनुपात में 2 लीटर तरल बी मिलाया जाता है, यानी 2 लीटर बी मिलाया जाता है, तो ए रेशियो बी का अनुपात 7:6 हो जाता है। तो मिश्रण तरल में यानी लिक्विड ए में ए की मात्रा कितनी थी ये बतानी है। चलिए ये देखते हैं, जैसे ए और बी में 5:2, जैसे ए और बी 5:4 के अनुपात में, ठीक है, और 7:6 हो जाता है। अब समझिए, जैसे क्वेश्चन था वैसे लिख दिया, अब 2 लीटर तरल बी में मिलाया जाता है, यानी 2 लीटर बी में मिलाया जाता है। अब समझिए, जब बी में मिलाया जा रहा है दोस्तों, तो ए तो बराबर होना चाहिए ना, ए के साथ छेड़छाड़ नहीं हो, तो ए को बराबर कीजिए, यानी 7 से ऊपर गुना कर दीजिए और 5 से नीचे गुना कर दीजिए, तो 7 से यहाँ भी गुना कर देंगे और 5 से यहाँ भी गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ 35, और ये कितना हो जाएगा 35, देखो बराबर हो गया, ये 28 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 30। अब देखो, पहले 28 लीटर बी था, अब 30 लीटर बी है, कितना मिलाया गया 2, तो 2 बराबर 2, यानी 1 यूनिट की वैल्यू निकल के कितना 1 आ गए। तब ये कहा गया ऑप्शन ए में, तो 35 में अगर मैं ए से गुना करूँगा 1 से, तो कितना आ जाएगा 35 लीटर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। सिंपल सा आंसर देखा था, जब बराबर करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिएगा दोस्तों, देखिए 14 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल को 11 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 11.6 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाला एक मिश्रण प्राप्त हो जाए। तो अब लेके आइए, देखिए बिल्कुल एलिगेशन रूल कर रहा है, एलिगेशन रूल लगाइए यहाँ पे, 14, 11 और बीच बीच कितने में रहा, 11.6, तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट का पॉइंट रहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। चलिए 14 से माइनस करोगे कितना, माइनस में करने का इसको जोड़ लो, अगर 0.4 दोगे तो 12 और 2 = 14, 2.4 हो जाएगा ये, और इधर से माइनस करोगे तो 0.6, एक अंक के बाद 0.1 काट दीजिए, 6 × 6 और 6 × 24, यानी 1:4 के अनुपात में क्या होगा उसका मिलाया गया होगा, और 1:4 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बताओ 1:4 के अनुपात में क्या किया गया होगा उसको, तो मिला लिया गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए यहाँ से,
क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, लास्ट और लास्ट तक सॉल्यूशन करते जाइए, अपने आप निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। एक बाल्टी में पेंट तथा ऑयल 7:5 के अनुपात में, पेंट तथा ऑयल 7:5 के अनुपात में। अब ये कहा गया 24 लीटर मिश्रण निकाल कर 24 लीटर तेल मिला दिया जाता है तो रेशियो 1:1 हो जाता है। ठीक है, तो बाल्टी में पेंट की मात्रा कितनी थी, तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर मानो 24 लीटर ही रहा होता टोटल का टोटल मिश्रण, तब कितना होता ये बताइए। 12 बराबर 24 यानी एक यूनिट की वैल्यू 2, 7 × 2 = 14 और 5 × 2 = 10, यानी पेंट 14 रहा होता, ऑयल 10 रहा होता। अब देखिए क्या कहा गया, 24 लीटर तेल मिलाया जाता है तो 1:1 हो जाता है। तो देख लीजिए, यहाँ से अगर मैं बात करूँ आपको तो 7x - 14 = बराबर बोला गया है 5x - 10 + 24। पता है क्यों? क्योंकि 24 लीटर मिश्रण ओनली वो ऑयल मिलाया गया, वो तेल मिलाया गया। अब लेके आइए कितना हो जाएगा ये बताओ, 2x = जब इसको जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 14 से 24 से 10 माइनस करोगे 14, और ये 14 माइनस होके इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 14, यानी 2x = 28। तो x बराबर कितना निकल जाएगा, यहाँ से x बराबर वैल्यू कितना निकल जाएगा, 14 आ जाएगा। तो x की वैल्यू अगर 14 आ गई, क्या पूछा गया पेंट कितना था, तो पेंट कितना था दोस्तों, 14 से इंटू कर दीजिए, 14 × 7 कितना होता है 98, तो 98 किलो है क्या, लीटर पेंट था 98 लीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। टाइप वन है ये, टाइप वन में जितने भी क्वेश्चन है लेटेस्ट बुक से वही सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 28, 35 लीटर के एक मिश्रण में जल तथा अम्ल 6:1 है। ठीक है, देखिए जल तथा अम्ल यानी वाटर एंड एसिड की बात की जा रही है, 6:1 है, 7 = 35, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5, तो 6 में 5 से गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 30, और 5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। जब 35 लीटर का मिश्रण था जिसमें 30 लीटर वाटर और 5 लीटर एसिड आ रहा था, क्वेश्चन में ये बोला गया आपसे 5 लीटर अम्ल मिला दिया गया, यानी 5 लीटर अम्ल मिला दिया गया तो कितना आ जाएगा। ये तो देखो वाटर, तो वाटर में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वाटर तो सेम ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 10। तो अब समझिएगा 1:1 गया, यानी आंसर कितना निकल के आएगा 3:1, रेशियो पूछा गया था 3:1, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए मिश्रण में चेंज आएगा, अगर वाटर नहीं मिलाया गया है तो वाटर में नो चेंज आएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन सेम ही लेके चलता है, बस थोड़ा सा ना यहाँ पे आप लोगों को देखना पड़ेगा चीज़ों को जो सेम तरीके से बनते, रेशियो एलिगेशन दो ही रूल यूज हो रहा है यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 29 की बातें करेंगे। राहुल 6 लीटर जल में 2 लीटर अल्कोहल, तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा ये बताओ। और लास्ट में बोला गया दोस्तों मिश्रणों में अल्कोहल का प्रतिशत पूछना है, तो अल्कोहल को ऊपर रख लीजिए, देखिए 2 लीटर अल्कोहल है तो 2 को ऊपर रख लीजिए, टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा 8% पूछा गया, तो परसेंटेज लगा दीजिए। रेशियो 1 लीटर अल्कोहल और 9 लीटर जल है तो टोटल मिश्रण कितना 10 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। रेशियो है 100 से 100 काट लीजिए, 2 × 2 = 8 यानी कितना हो जाएगा 1/4 = 1/10, 10 और 4 कैल्शियम ले लीजिए कितना 20 आएगा क्या, तो 20 पे यहाँ पे भी इंटू कर दीजिए, 20 यहाँ पे भी इंटू कर दीजिए कितना हो जाएगा 4×5 = 20 यानी 5:10 से कटेगा 2 बार में, तो आपका आंसर निकल के कितना आएगा 5:2 इज द करेक्ट आंसर, 5:2 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। रेशियो पूछा गया था, प्रतिशत पूछा गया था, तो सभी का प्रतिशत निकाल के देखो, रेशियो है तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा ये। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा आपके स्क्रीन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या कहा गया दोस्तों। 165 लीटर एक मिश्रण में तरल एक्स और वाई का अनुपात 6:5 है, 165 लीटर 30। ठीक है, चलिए नया लिख लो। चलिए एक्स और वाई रेशियो कितना है उसका, 6:5
ग्यारह बराबर 165, 11 से कटेगा, कैसे कटेगा बताइए, 11 और 11 पचे पचपन, तो 11 और 11 कटेगा और 5 11 पचे पचपन, ठीक है। चलिए देखिए, तो कितना 15 छके 90 हो जाएगा ये, और 15 पचे 75। ये कहा गया उसमें मिश्रण में 5 लीटर तरल वाई मिलाया जाता है, तो 5 लीटर अगर वाई मिलाया जाएगा तो कितना हो जाएगा ये बताइए, 80 हो जाएगा क्या, और एक्स तो 90 ही रहेगा, तो 0 से 0 कटा, यानी 9:8 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी क्या है उसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। मिश्र धातु ए और बी में तांबा और जस्ते का अनुपात 3:4, 5:9 है। ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिलाकर नई मिश्र धातु बनाई जाती है। सेम वही क्वेश्चन जो पहले किया था हमने, जैसे 3:4 है इसका, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 5:9, तो ये कितना हो गया बताइए, 7, और ये 9:5 कितना हो जाएगा 14। बराबर करने के लिए क्या करोगे, ऊपर 2 से इंटू कर दोगे, लेकिन ये 2 मिलाया गया है और नीचे 3 से मिलाया गया है, तो ये कितना 4 हो जाएगा और ये 3 रहेगा। 4 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 12, और 4 चौका 16। 5 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 15, और 9 27, 7 6 13, 1 5 2, 1 3 1 4, 5 2 7, और 1 1 2, यानी 27:43, 27:43 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 27:43 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी था। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, मिश्र धातु ए में तांबा और जस्ता की मात्रा 4:3 के अनुपात में है, मिश्र धातु बी में तांबा और जस्ता 5:2 के अनुपात में है। उन दोनों मिश्र धातुओं को 5:6 के अनुपात में लेकर मिलाया जाता है, तो नई मिश्र धातु में जस्ता का प्रतिशत कितना होगा, निकटतम यानी निकटतम प्रतिशत कितना होगा ये बताना है। चलिए देख लीजिए, जैसे 4:3 है, ठीक है, 5:2 है, 4 3 7, 5 2 7 बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। 5:6 में मिलाया गया, तो इसको 5 से गुना कर दीजिए, इसको 6 से, पता है दोस्तों पढ़ने से गुना इसलिए नहीं क्योंकि दोनों बराबर हो रखा है पहले से, ठीक है। चलिए अब 5 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 20, और 5 दिया कितना हो जाएगा ये 15, 6 5 कितना हो जाएगा 30, और 6 2 कितना हो जाएगा 12, तो ये तो 50 हो गया और ये कितना 27 हो गया। आप समझिएगा दोनों का जो मिश्रण हो जाएगा, मिक्सर कितना हो जाएगा 77 लीटर। अब ये पूछा गया था आपसे जो पहले क्या था, अभी बताता हूँ, कॉपर एंड जिंक, तो जस्ते का प्रतिशत, तो जस्ता कितना है 27/77, क्योंकि टोटल मिश्रण का पूछा गया है, इंटू 100, तो दोस्तों कट नहीं रहा, तो 2700/77 होगा क्या, 728, और 728 288 298 नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, है ना, तो 7 3 21, 2 7 21, 2 23, 10 1 जाएगा 9, और 6 3 जाएगा 3 0 0, ठीक है। अब देखिए कितने बार में जाएगा, 7 4 से लगाएं क्या इसमें, या 5 से, 7 5 35, 350, और 7 5 35, 77 5 7 5 35, 3 7 5 35, 7 5 35, 7 5 35, और 3 38, 385 है, 5 के आसपास, 385, 0, 10 5 5, 10 लगा लीजिए, पॉइंट नहीं लगेगा, 0.00, देखो 35 समथिंग है क्या, देखिए 35 एक ही ऑप्शन है जो कि अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा आपका, तो 35% सही आंसर है, 35%, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, परसेंट पूछा गया था तो टोटल मिश्रण पर निकालना था उसको। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कहा गया है।
एक बर्तन में अम्ल में अम्ल और जल का 32 लीटर विलयन है, इनमें से अम्ल और जल का अनुपात 5:3 है, लेकिन 12 लीटर विलयन यानी मिक्सर निकाल लिया जाता है तो बर्तन में 7.5 लीटर जल मिला दिया जाता है, तो परिणाम अनुपात में अम्ल और जल का अनुपात पूछा गया। चलिए आइए देखते हैं। जैसे देखो 32 लीटर में से अगर 20 लीटर 12 लीटर निकाल दिया तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो किस में एम एसिड एंड वाटर कितना है रेशियो, 5:3 का, यानी 8/20, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, तो 20/8, 4×5=20, 4×8 यानी 5.5/2। तो अगर दोस्तों यहाँ पे 5/2 से गुना करोगे तो कितना आएगा बताओ, 25/2 यानी 12.5, और ये कितना आएगा बताओ, 5×15/2 7.5 आएगा। अब ये कहा गया 7.5 लीटर और डाल दिया जाता है वाटर, तो 7.5 लीटर वाटर डाल दो कितना हो जाएगा बताओ, 10 × 7 = 14 = 15, और ये कितना हो जाएगा, 12.5। अब देखो 12.5 और ये 15 हटाओगे तो उधर एक जीरो लगा दो, काट दे क्या, 25×5=125 और 25×6=150, 5:6 सही आंसर हो जाएगा, 5:6 करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, 5:6 क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, एक दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 आयतनों यानी 3 कंटेनर का प्रयोग करता है जिनकी क्षमता है 40 लीटर 30 लीटर और 20 लीटर है, और जो दूध का अनुपात है 3:2 5:1 7:2 के अनुपात में दूध और पानी के, लेकिन उसमें ये कहा गया कुछ आधानों से मिश्रण से जो उसका क्षमता है वो 87.5% ही भरा रहता है, 80% ही भरा रहता है और 90% ही भरा रहता है, तो दूध और पानी की कुल मात्रा का अनुपात क्या होगा, आप समझिए। देखिए मैं अगर ए रे बी और सी की बात करूँ, ठीक है दोस्तों, तो ये कितना है ये बताओ, 3:2, ये कितना है 5:1 और ये कितना है 7:2। अब इसका एक आवर्तन कितना था दोस्तों, तो 40 लीटर, तो 40 में 87.5% निकाल लो, अगर इसको 100 बनाओ तो कितना, एक जीरो आ जाएगा, 10 हट जाएगा, आ जाएगा 25 से कितने, 25×3=75, 25×5=125, 25×6=100, 40 × 40 गए यानी 35 लीटर, यानी 7/35 ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 5 निकल के आएगी, यानी 5 को गुना करोगे तो कितना, 5×3=15 और 5×2=10 आ जाएगा, यानी बर्तन ए में 15 लीटर क्या था उसमें ये बताओ, दूध और वाटर, मिल्क एंड वाटर ना, बिल्कुल मिल्क एंड वाटर, तो हर जगह मिल्क एंड वाटर, तो मिल्क एंड वाटर हो जाएगा, ठीक है, 15 लीटर मिल्क और 10 लीटर क्या है उसमें वाटर है। सेम दूसरे कंटेनर को भी ऐसे ही क्षमता आपको निकालना पड़ेगा, तो चलिए दूसरा का क्षमता निकालते हैं, 30 लीटर में 80% है, तो 30×80 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 10 × 10 = 24, 6/24, तो एक मिनट की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, तो 5 में गुना करोगे 4 से तो कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 4, मिल्क 20, सेम वहाँ पे देख लीजिए 20 का 90% कितना आ जाएगा ये बताओ, 18 आएगा क्या, यानी 9/18, तो एक यूनिट की वैल्यू 2, 7×2=14 और 2×2=4। अब सबको मिल, थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ना 5 होगा दोस्तों और 5 से जाएगा 7 बार में, ठीक है, तो यहाँ पे 7 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा ये बताओ, 7×3=21 और 7×2=14 हो जाएगा, फिर मिल्क और वाटर को एक जगह आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये बताओ, 21 लीटर, ये कितना है 20 लीटर और ये कितना हो जाएगा 14, वाटर कितना हो जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा 4 और ये भी कितना हो जाएगा 4, सबको अगर आप ऐड करते हो तो 4×1=5, ठीक है, 2×2=4, 2×4=5, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 4×4=8×12, 2, ठीक है, 11×5=55 और 11×2=22, 5:2 क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 5:2 इज द करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5:2, थोड़ा सा मिस्टेक था कैलकुलेशन, बाद में पूरे क्वेश्चन को मैंने इजीली तरीके से इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है, देखिए यही मतलब समझ में भी आया होगा उम्मीद करता हूँ आप लोगों को, जितना जितना कंटेनर भरा हुआ था उतना प्रतिशत हमने निकाल लिया उसका और उसके रेशियो में रख दिया, ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर 34 था, ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों
34 था, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35, यानी फर्स्ट स्टेप का लास्ट क्वेश्चन है ये, उसके बाद सेकंड स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अब स्टार्ट करेंगे सेकंड स्टेप। क्वेश्चन नंबर 35, यदि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है, यदि उसमें 2 लीटर पानी मिला लिया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 8:7 हो जाता है, तो परिणामी मिश्रण की मात्रा क्या थी? ये देखिए, समझिए, मिल्क एंड वाटर 4:3 और 8:7 था, 4 3 कितना हो गया 7 और 8 7 कितना हो जाएगा 15। अच्छा, इसकी बात जरूरत ही नहीं थी यहाँ पर, देखिए समझिए बात क्या निकल के आ रही थी। ये कहा गया 2 लीटर पानी मिलाया गया, देखिए 2 लीटर पानी मिलाया गया तो वाटर मिल्क को बराबर करेंगे तो 200 ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, कितना ये 8 हो गया। देखो पहले 8 मिल्क था, अभी 8 मिल्क के बराबर हो गया, कितना 6 हो गया। अब देखो कितना मिलाया गया, 1 बराबर क्वेश्चन में 2, तो ये पूछा गया था आपसे जो परिणामी मिश्रण लास्ट मिश्रण में कितना क्षमता मतलब कितने मात्रा थी, तो 8 और 7 कितना होता है 15, 15 को अगर आप 2 से गुना करते हो दोस्तों तो 30, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, आप स्टार्ट करते दोस्तों सेकंड स्टेप, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने पार्ट टाइप 1 कंप्लीट किया है जो मिक्सर एलिगेशन का, अब टाइप 2 पे बात करने वाले हम लोग। तो टाइप 2 का पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि एक टाइप कंप्लीट का दूसरा टाइप में देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, समझिए। इसमें 25 लीटर के नमक के एक घोल, जो नमक और पानी का जो एक घोल है यानी सॉल्टेड वाटर का जो मिक्सर है, उसमें 6% नमक है, तो उस घोल में कितना पानी और मिलाया जाए, ध्यान रखिएगा पानी ऐड किया जा रहा है, तो कितना पानी और मिलाया जाए कि नमक की मात्रा 5% हो जाए। तो देखिए एक यूनिक तरीका जिसे सब चीज़ निकल के आ जाएगा, 6% का फ्रैक्शन कितना 3/50 होगा, यानी 6/100 कर लोगे आप तो 2 से काटेंगे तो कितना 3/50, यानी 3 नमक है 50 में जो सॉल्ट एंड वाटर का घोल है मिक्सर है, जिसमें से सॉल्ट कितना है ये बताइए 3 है, तो वाटर कितना हो जाएगा ये बताओ, 50 में से 3 सॉल्ट है तो वाटर कितना हो जाएगा 47। अब पानी कितना मिला जाए, नमक 5% हो जाए, तो नमक 5% है तो 5 का फ्रैक्शन 1/20, यानी 20 पे 1 नमक हो जाए तो वाटर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में ये चीज़ देखिए, मिलाया जा रहा है नमक सॉरी वाटर मिलाया जा रहा है, तो नमक तो बराबर होना चाहिए था, तो पहले 3 नमक है अभी 1 नमक है, तो बराबर करने के लिए 3 से गुना कर दीजिए नीचे, और 1 से ऊपर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ दीजिए उसको, तो ये 3 हो गया और ये कितना हो गया 57। अब देखो नमक बराबर हो गया, अब ये कहा गया शुरुआत में 47 और 3 कितने 50 लीटर मिश्रण था, क्वेश्चन में कितने लीटर मिश्रण था 25, तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकल के कितना आ जाएगा 25/50, यानी 1/2 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आएगा ये बताओ। तो पूछा गया कितना पानी मिलाया गया, तो पानी कितना देखिए पहले 47 था अब 57 है, कितना मिलाया गया 57 - 47 कर लीजिए 10 × 1/2 यानी कितना आ जाएगा, तो 5 लीटर पानी मिलाया गया होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कितना पानी मिलाया गया होगा बताइए, तो 5 लीटर, मैंने अभी पीछे भी बताया था आप लोगों को, जो चीज़ मिलाया जा रहा है उसके सामने वाली चीज़ को आप बराबर कर लीजिए, क्वेश्चन निकल के आपके सामने जो भी आंसर है बहुत ही आसानी। देखिए इसमें क्या होता, अगर ये पूछा जाए बाद में कितना मिश्रण होता तो 57 और 3 कितना हो जाता 60 को 1/2 करते तो कितना हो जाता 30, क्योंकि पहले 25 था 5 मिलाया गया 30 हो जाता। तो इन चीज़ों से निकल के दो साल्ट वाटर सारे चीज़ निकल के एक ही क्वेश्चन से आ जाएगा जो भी पूछा जाए, तो इसीलिए इस मेथड को हम लोग कैरी करते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तथा 97% शुद्धता वाले दो घोल दिया गया है, तो 94% शुद्धता वाले 21 लीटर का घोल तैयार किया गया है, जो टोटल घोल है 21 लीटर का तैयार किया गया, तो दूसरे घोल की मात्रा में कितने लीटर जो भी मिश्रित घोल है वो कितना ये बताना है। देखिए पहला कितना घोल था 90, दूसरा कितना था बताइए
97 और तीसरा कितना था 94। जब एलिगेशन लगाएंगे तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा 3 और 94 से 90 माइनस करोगे 4, यानी 7 = 21। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकल के कितना आ गई, 3 आ गई। पूछा गया दूसरे वाले घोल में तो 4 को 3 से गुणा कर दीजिए यानी कितना निकल के आएगा, 12 लीटर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कितना आ जाएगा तो 12 लीटर, 3% दिया था, सिंपल सा आपको एलिगेशन लगा देना था वहाँ पे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, देखिए 30 लीटर शुद्ध अल्कोहल के घोल के 6 लीटर में शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाता है, 1 लीटर अल्कोहल जैसे 6 लीटर का मिश्रण है जिसमें 30% अल्कोहल है। तो देखिए 6 लीटर में 30% अल्कोहल है तो कितना हो जाएगा ये बताओ, 18, यानी अल्कोहल कितना हो जाएगा 1.8 हो जाएगा। बताओ 6 को 3 से भाग करो, गुना करो कितना, 18/10, 10 है तो एक अंक के बाद 10 लगा दो। तो देखो 6 में से 1/8 अल्कोहल हो गया तो वाटर कितना हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा, 4.2 यानी 6 से माइनस कर दिया 1.8। अब ये कहा गया 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाता है तो 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिला दीजिए तो कितना हो जाएगा बताओ, ये तो 2.8 हो जाएगा, ये 4.2 ही रहेगा, बराबर कितना, 7 हो गया। अब समझो तो मिश्रित घोल में, तो ये कहा गया घोल में जल का प्रतिशत कितना है, तो जल कितना है ये बताओ, 4.2। टोटल मिश्रण कितना था, 7 × 100 होगा, 10 नीचे डाल दीजिए, 10 हटा दीजिए, ठीक है। देखिए 0 से 0 जाएगा, 7×6 = 42, 10 और 6 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, जल का प्रतिशत कितना हो जाएगा 60। पूछा जाता जो अल्कोहल का प्रतिशत कितना, तो 40 हो जाता। देखिए निकाल भी लीजिए, 2.8 × 7 जीरो लगा लीजिए वहाँ पे, 100 कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 7×28 यानी 40%। जो भी पूछा जाता आप यहाँ से निकाल सकते थे उसका, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। तो चौथा क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, इसका एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है, मिश्र धातु का 25% अयस्क जिसमें 90% लोहा है, इसके अतिरिक्त अयस्क का शेष 25% में कोई लोहा नहीं, 75% में कोई लोहा नहीं यानी 25% में लोहा है, तो 60 किलोग्राम शुद्ध लोहा लेने के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा कितनी होनी चाहिए, लगभग अप्रॉक्सीमेट बताना उसमें। समझिए देखिए 25% यानी 100/25 कितना, 4 होगा, 4/25/100 इंटू 90% लोहा, 90/100 यही होगा। चलिए काटते क्या, 0 से 0 जाएगा और रहने तो मेरे अनुसार से काटना क्यों, 25×100 और 90 900 900 कितना, 3 0 1000, 2 0 से 2 0 यानी 0.9। तो ये 0.9 4 के बराबर में होगा, होगा नहीं होगा, तो 4/0.9 तो 60 किलोग्राम में कितना, कितने अयस्क की जरूरत पड़ेगी, तो 1.1 लगा दूंगा मैं यहाँ से, काटो क्या, 10 हट गया पूरा, 3 3 9 और 3 2 6, 400 × 800/3, तो 800/3 अगर भाग कीजिए तो 3 2 6 0 2 0, 3 6 18 ये होता चला जाएगा। तो कुछ नहीं, अगर 5 से ऊपर है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 266.67% यानी ऑप्शन किलोग्राम होगा, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आपके स्क्रीन पे है, समझिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। देखिए एक प्रकार के द्रव में 20% जल और दूसरे में 35% जल है। देखिए पहले वाले में और दूसरे वाले में क्या कहा गया, एक में 20% जल और दूसरे में 35% जल, और उसका अंश दे रखा है, अगर ये पहले वाले का 10 अंश दूसरे वाले का 4 अंश, इसको बड़ा रेशो में काट लीजिए, 2 और 5 हो गया। चलिए जो बीच का रेशो निकल के आएगा वो कितना आएगा ये बताओ, इन दोनों के बीच का होगा, 35 - 20 कीजिए कितना हो रहा है, 15 हो रहा है क्या,
और 5 और 2 7 7 बराबर 15, तो एक यूनिट की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी, 15/7। तो इसमें 15/7 से गुना करोगे तो कितना होगा, 30/7, और इसमें 15 5 75/7। छोटे वाले साइड को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा ये बताओ, 20+30/7। इसको मिक्स फ्रैक्शन बना लीजिए, 20+7 6 28 2/7, तो कितना हो जाएगा, 24/7। यानी जो आपका मिक्स फ्रैक्शन निकल के आएगा 24 2/7%, 24 2/7, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। देखिए कैलकुलेशन में फंसना ही नहीं था, एक बार और बता रहा हूँ मैं, समझिएगा आप चीज़ों को यहाँ से। देखिए समझिए चीज़ों को, मैं ये बता रहा हूँ आपको यहाँ से, जो ये बीच की वैल्यू निकल के आएगी 35 और 20 की वाली आएगी, 35 से छोटा और 20 से बड़ा, तो मैंने 35 और 20 का अंतर लिया कितना, 15 आ गया, और दोनों का रेशियो बना के ले गया 7 7 बराबर 15, यानी एक यूनिट की वैल्यू 15/7 आ जाएगी यहाँ से, एक यूनिट की वैल्यू 15/7 आ जाएगी। जब मैं 2 में गुना करूँगा तो 15 × 30/7 और 5 में 75/7, मैंने आपको बता रखा है छोटे वाले साइड को, दोनों को जोड़ लीजिएगा बीच वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। समझिए अब देखिए, तो 20+30/7, तो 30 को मैंने मिक्स फ्रैक्शन बना लिया 4 से 2/7, तो 20 और 4 कितना, 24 से 2/7। सिंपल बिना कैलकुलेशन के ये सब क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये का 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी है। देखिए 20% मिश्रण में 20% अल्कोहल है, यानी अल्कोहल कितना है 4, तो वाटर कितना हो जाएगा, 20 में से 4 अल्कोहल, तो वाटर कितना 16 हो जाएगा। 4 लीटर पानी मिला दिया जाए, देखिए जब 4 लीटर पानी मिला दिया गया तो वाटर कितना हो जाएगा 20, और अल्कोहल कितना हो जाएगा 4। तो मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, अल्कोहल कितना है 4, टोटल मिश्रण कितना है 24, 4/24 यानी कितना होगा 1/6, पता है आपको 16 से 2/3% होता है, 3/50 भाग करोगे 16 से 2/3%, प्रतिशत का फ्रैक्शन जाके देख लीजिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छे से डिफाइंड किया गया, ठीक है। चलिए 16 से 2/3% ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में बिल्कुल एलिगेशन का रूल है, ये सब क्वेश्चन तो आप लोग देखते ही बना लेंगे, बात ये है ना, ये सब एलिगेशन लग रहा है, 3% 3% दे रखा है, तो आप बिल्कुल बोलेंगे जो एलिगेशन ही रूल काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है, 40% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण, जो मिश्रण दिया गया वो 40%, जिसमें 60% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरा भाग 25% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो रेशियो क्या होगा, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, तो पहला भाग 60 हो जाएगा, दूसरा कितना 25, और जो बीच का रेशियो निकल गया वो कितना 40 में बेच रहे हैं, 60 से 40 जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 15, 5 3 15 और 5 4 20, 3:4 सही आंसर है, 3:4 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। देखिए 4:3 भी है तो गलत हो जाएगा, ठीक है, सही से लिखिएगा सही आंसर आ जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, स्प्रिट और जल के 20 किलोग्राम मिश्रण में 10% जल है, देखिए और मात्रा में कितना, देखिए स्प्रिट और जल में मिश्रण जो है 20% है, जिसमें 10% जल है यानी 1/10, तो वाटर कितना हो जाएगा ये बताओ, वाटर अगर 2 लीटर हो गया तो स्प्रिट कितना हो जाएगा, स्प्रिट हो जाएगा 18 लीटर, क्योंकि 20 लीटर का दोनों का मिश्रण है जिसमें से 2 जल हो गया, तो 18 क्या हो जाएगा, स्प्रिट हो जाएगा। उसमें से निश्चित मात्रा में उसमें जल डालने पर नए मिश्रण का वजन 25 किलोग्राम हो जाए, तो कितना जल डाला जाए कि 25 किलोग्राम हो जाए वजन, पहले अभी तो 20 है, तो देखो 5 जल डालोगे तो कितना जल हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 18, और मिश्रण कितना 25 हो गया। अब ये पूछा गया आपसे नए मिश्रण में जल की प्रतिशत कितनी है, तो नए मिश्रण में जल की प्रतिशत 7, जल कितना 7 है, मिश्रण कितना है 25, 7/25 × 100, 25 से 100 जाएगा 4 बार में, यानी कितना हो जाएगा बताओ, 28%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल एलिगेशन ही जैसे बोला था बिल्कुल सिंपल तरीका से। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे देखिएगा, समझिए उसमें
एक सीसा अयस्क की खान में धातुओं की प्रतिशत 60%, अब इन धातुओं में रजत की प्रतिशत 3/4% और शेष सीसा है। यदि खान से निकाले गए अयस्क का द्रव्यमान 8000 किलोग्राम है तो सीसा का द्रव्यमान कितना होगा ये बताने। चलिए देखिए, अगर 8000 किलोग्राम द्रव्यमान निकाला गया, ठीक है, तो इसमें से धातु में रजत की प्रतिशत, जो टोटल प्रतिशत निकल के आएगा धातुओं का, वो कितना आएगा ये बताओ। 60%, 3/5 आएगा, 5 × 16 = 48 केजी हो जाएगा। अब उसमें से देखिए 3/4 किलोग्राम, 3/4%, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3/4 होगा ना, नीचे 100 से इंटू कर देंगे प्रतिशत आता है, तो 3/400% जब यहाँ से हटाओगे तो 4 से कितने 12 × 36 36 जो है वो रजत है और शेष सीसा है, तो 4800 में से अगर आप 36 माइनस करो तो कितना हो जाएगा 4764 होगा क्या 4764 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। यानी 4764 किलोग्राम सीसा का द्रव्यमान रहा होगा, यानी केजी रहा होगा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी और कितनी चीनी और मिलाई जाए। देखिए जैसे चीनी मिलाने की बात की गई तो आपको वो क्या करना पड़ेगा, वाटर को बराबर करना पड़ेगा। तो जो चीनी का घोल है 40% का फ्रैक्शन कितना होता है ये बताओ, 2/5। तो शुगर अगर 2 है तो वाटर कितना हो जाएगा ये बताओ, वाटर 3 हो जाएगा। तो 50% हो जाए, 50% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/2। अगर 1 शुगर है तो 1 वाटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ले आइए अब, तो कितना शुगर मिलाया जाए। देखिए अगर शुगर मिलाया गया है तो वाटर को बराबर करना पड़ेगा, तो ऊपर 3 है तो इसको भी 3 बनाएंगे, तो 3 से इंटू कर दीजिए, 3 ये हो गया और ये भी 3 दिखे, बराबर हो गया वाटर। 3 × 2 = 5, 5 बराबर कितना हो जाएगा 300, क्योंकि 300 ग्राम का विलयन था, घोल था, तो 5 से कितने बार में जाएगा ये बताओ, 60 बार में। और देखो कितना शुगर मिलाया गया है, 3 और पहले 2 था अब 3 है तो 1 मिलाया गया, 1 में अगर 60 से इंटू करते तो कितना हो जाएगा, 60 ग्राम शुगर मिलाया गया होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बिल्कुल ये सब क्वेश्चन भी पीछे डिस्कस किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में 40% दूध है, कितना दूध मिलाया जाए ताकि 50% हो जाए दूध, ठीक है। तो पानी को बराबर करना पड़ेगा आपको, देखिए 40% का फ्रैक्शन हमने देखा था अभी 2/5, तो मिल्क 2 है तो वाटर कितना हो जाएगा बताओ, 3 हो जाएगा, 5 × 2 मिल्क तो 2, 3 वाटर हो जाएगा। अब समझिए 50% यानी 1 से 1 करना पड़ेगा, मिलाना मिल्क है तो वाटर को बराबर करेंगे 3 से 1, देखो बिल्कुल सेम पिछला क्वेश्चन जैसा हो गया है, 5 बराबर कितना हो जाएगा बताओ 120, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ जाएगी 24, और देखो 1 मिलाया गया है तो 1 × 24 करोगे तो कितना हो जाएगा 24 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 24 लीटर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, एक मिश्रण के भार के अनुसार 18% तांबा है और 81 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए उसे कितने किलोग्राम मिश्रण की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए 18% तांबा है तो 81 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए, देखिए समझिएगा, तो 18% तांबा यानी 81 किलोग्राम प्राप्त करना है, तो देखिए 81/18 × 100 कर दो, जो 18 है उसको 100% बना दीजिए, देखिए 9 से काटे क्या 9 × 2 = 18 और 9 × 9 = 81, 2 से कटेगा 100 कितने 50 बार में, यानी 450 किलो तांबे की जरूरत पड़ेगी, मिश्रण की जरूरत पड़ेगी, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा उसका, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा गया है। अच्छा पिछला वाला क्वेश्चन 12 था दोस्तों, ठीक है, अब ये क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है।
28% इथेनॉल प्राप्त करने के लिए 20% एथेनॉल को 40% के एथेनॉल के घोल के साथ किस में मिलाया जाना चाहिए। देखिए तो 20% एथेनॉल को 40% के साथ मिलाया जा रहा है और ये 28 के रेशियो में मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 8, 4 3 12, 4 2 8, 3:2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 3:2 एलिगेशन बिल्कुल। चलिए आगे ले आइए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर देखिएगा, 5 लीटर शहद में 80% चीनी है। देखिए 5 लीटर शहद में 80% चीनी है, तो 5 का अगर 80% अगर आप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा बताओ, 5 × 10 4, शुगर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब समझिए, और अच्छा शहद है, शहद में, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, घोल ले लीजिए, वाटर लगा देता हूँ मैं, ठीक है। 5 में जब 4 शुगर, तो वाटर कितना 1 हो जाएगा। अब देखिए 3 लीटर जल मिलाया गया, तो 3 लीटर जल मिलाया गया, तो जल मिला दीजिए 3 लीटर कितना हो जाएगा 3, और ये 4 ही घोल कितना हो जाएगा 7, पहले घोल 4 और 3 7, हाँ ठीक है। तो 3 लीटर जल मिलाया गया मैंने, अच्छा ये 4 होगा ना दोस्तों, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, पहले घोल कितना था 5, अब घोल हो गया 8। अब ये पूछा गया आपसे, तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत कितना है ये बताओ, तो चीनी दोस्तों 4 है और मिश्रण कितना है टोटल 8, तो 4/8 यानी 1/2, 1/2 कितना होता बताओ 50%, या 1/2 × 100 भी कर दोगे तो भी 50% आ जाएगा। अगर आप लोगों को प्रतिशत बोला फ्रैक्शन याद है तो बिल्कुल आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ से ही आ जाएगी कॉन्सेप्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा गया आपके स्क्रीन पे है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 84 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम गेहूँ 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 81 किलोग्राम गेहूँ को मिला दिया जाता है और 75.9 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसको 15% का लाभ होता है। तो लाभ हटा दीजिए, बिल्कुल क्रैमूल पे लेके आइए आप लोग। 84 रुपये वाले गेहूँ कितना मिलाया जाना चाहिए यानी कितने किलोग्राम, और यहाँ पे ये बोला गया है 60 रुपये किलोग्राम वाली गेहूँ 81 किलोग्राम मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो और देखो, जब ये समझिएगा बातों को, 75.9 किलोग्राम गेहूँ रुपये में बेचता है 1 किलो, तो उसको 15% का लाभ होता है, यानी ये वस्तु 100+15 यानी 115% का रेट होगा। मेरे को कितने का चाहिए, 100 का, तो दशमलव हटाएंगे तो 1 0 यहाँ पर लग जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 5 से काटिए, 5 × 10, 5 × 15 और 5 × 10, 23 × 69, 6 × 9 = 23, 69 यानी 33 बार हो जाएगा, 33 × 66 यानी कितने रुपए, जो दोनों का मिक्स रेट रहा हो तो कितने रुपए, तो 66 रुपये। अब लेके आइए, देखिए बड़े वाले साइड से माइनस कीजिए, 14 से 6 जाएगा कितना 8, और 7 से 6 जाएगा 1, और ये कितना 6, 3 × 9 = 81 है, तो कितने बार गया ये बताओ। अगर 70 आपको दिमाग में आएगा जी मैं 27 से गुना करूँगा तो 81 हो जाएगा, तो इधर भी 27 से गुना करना पड़ेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 27 किलो चीनी, 84 रुपये वाले किलो चीनी 27 किलोग्राम मिला दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते थे, 3 = 81, 1 यूनिट की वैल्यू 27 यहाँ पे इंटू कर लीजिए, ठीक है। 115 इसलिए लिखा दोस्तों क्योंकि 15% लाभ बोला है, तो 100+15 कितना हो जाता है 115। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपके स्क्रीन पे क्या कहा गया। चलिए, दूध तथा जल के 7 लीटर मिश्रण में 30% जल है। देखिए 7 लीटर मिश्रण में 30% जल है, तो 7 लीटर मिश्रण में 30% जल है यानी कितना हो जाएगा, 7 × 21 यानी 21/10 यानी कितना, तो वाटर कितना हो जाएगा दोस्तों 2.1, तो मिल्क भी है क्या उसमें, बिल्कुल मिल्क है, तो कितना हो जाएगा ये बताओ, 4.89 हो जाएगा क्या, 4.9, 7 से 2.1 माइनस कर दिया। अब समझिए, तो मिश्रण में 3 लीटर दूध और मिला दिया जाता है, दूध मिलाया जा रहा है, तो 3.5 दूध मिला दो कितना हो जाएगा,
9, 5, 14, 4, 3, 7, 1, 8 और ये 2.1 ही रहेगा। पहले कितना मिश्रण था 7, अब जो 3.5 मिलाए हो तो कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। बिल्कुल। अब ये कहा गया नए मिश्रण में जल का प्रतिशत कितना है, तो नए मिश्रण में जल कितना है 21, तो जल का प्रतिशत 2.1 अपॉन में 10.5 गुने 100 दिख रहा है 20%, एक जो अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, 21 पंचे कितना होता है बताओ 105, और 5 दूनी 10 यानी 20% बताया था ना, क्योंकि थोड़ा देख लिया आपने 21 से 105 पाँच बार में कटा, 1/5 कितना 20% का फ्रैक्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अब बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है, 17 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा गया है, 15% स्प्रिट की मात्रा वाले मिश्रण को 25% स्प्रिट वाले मात्रा के मिश्रण में साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि एक 21% स्प्रिट की मात्रा वाला नया मिश्रण तैयार हो जाए। तो चलिए ले आइए, देखिए 15% स्प्रिट वाला मिश्रण 25% स्प्रिट वाले मिश्रण को 21% मिश्रण तैयार हो जाए, 25 से 21 में जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा बताओ, 15 और 6, 21, 6, 2, 2, 4 और 2, 3, 6 यानी 2:3 में प्राप्त हो जाए, यानी 2:3 ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 2:3 में प्राप्त हो जाए। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, चूँकि सेकेंड टाइप के दो क्वेश्चन ही बचे हैं, चलिए देखिएगा। चलिए आइए 60% सांद्रता वाले 40 लीटर अम्लीय घोल को, देखिए 60% सांद्रता वाले 40 लीटर घोल को 80% सांद्रता वाले 35 लीटर घोल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। अब समझिए ये जो बीच का रेशियो आएगा इन दोनों के बीच का आएगा, तो 80 से 60 जाएगा तो कितना बचेगा ये बताओ 20, और इसको काट लो कितना हो जाएगा 5, 8, 40 और 5, 7, 35 यानी 15 बराबर, ये देखो 8 और 7, 15 बराबर 20, तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से अगर निकालूँ मैं तो कितना हो जाएगा बताओ 20/15, 5 चौके 20, 5 3 15 यानी 4/3 आएगा। तो आप बोलेंगे बिल्कुल आएगा जी, ये छोटे वाले माइनस कीजिए वहाँ पे कितना आ जाएगा 4/3, 7 चौक 28/3 होगा, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32/3। तो मैंने बताया था जी छोटे वाले के साइड जोड़ लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा बताओ 60+9 सही 1/3 होगा, 28 3/3 को आप 9 से 1/3 लिख सकते हो, तो ऐड करने के लिए कितना 69 सही 1/3% हो जाएगा, क्या 69 सही 1/3%, ये आपका आंसर हो जाएगा। दो तीन क्वेश्चन सेम टू सेम आया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है ये, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहा गया है, सेकंड टाइप का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है ये, देखिएगा समान धारिता या क्षमता की दो बोतलें संतरे के रस से क्रमशः 35% और 33 से 1/3% तक भरी है, और ये बोतलें सेब के रस से भी पूरी तरह से भरी जाती है, भर दिया जाता है, तो दोनों बोतलों की सामग्री एक दूसरे बर्तन में खाली कर दी जाती है, तो परिणामी मिश्रण में सेब के रस का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए मैं दिखाता हूँ ये तरीका, क्वेश्चन देखिए, देखिए अब ये मान लीजिए ऑरेंज का रस और ये क्या हो जाएगा एप्पल, ठीक है समझिए 35% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 35/100 करेंगे आप 5, 7, 35, 5, 2, 10 यानी 7 ऑरेंज है 20 में टोटल, यानी ऑरेंज प्लस एप्पल में तो कितना हो जाएगा 13 एप्पल हो जाएगा, होगा या नहीं होगा बताइए। तो बिल्कुल अब देखिए समझिएगा चीज़ों को, और 33 से 1/3 का फ्रैक्शन दोस्तों 1/3 होता है, एक ऑरेंज है तो 2 एप्पल हो जाएगा, कितना 13 और 7 कितना हो जाएगा 20, और ये 2 1 कितना हो जाएगा 3, क्योंकि दोनों को बराबर करना पड़ेगा समान मात्रा में, तो जब ऊपर 3 से गुना कर दीजिए और नीचे 20 से गुना कर दीजिए, आप देखो 3 से गुना करोगे 7 में 21 हो जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा, 20 × 20 और 20 × 40 9 4 3 7 1 2 2 4, और जब मिश्रण की बात करूँ मैं तो 9 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों बताओ 10, 7 और 4 11 और 1 12 यानी टोटल मिश्रण कितना हो गया 120
एप्पल के रस का मतलब प्रतिशत पूछा गया तो 79 अपॉन में 120 इंटू 100 होगा, 0 से 0, 2 से काटेंगे 6 और 5, 8 पंचे 40, 400 माइनस 5 395 होगा ये, बताओ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंचे 45, 4 बचा, 7 पंचे 35 और 4 39, 395/6, 6 से भाग कीजिए 6 आगे 36, 3 5, 6 पंचे 30, 5/6 यानी 65 सही, 5/6 6% यानी प्रतिशत कितना हो जाएगा 65 से 5/6% यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों टाइप थर्ड, ठीक है का पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें बोला गया है एक दूधिए ने 70 लीटर दूध 630 रुपये में खरीदा, ठीक है उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया गया। देखिए पानी में अगर बोला जाए तो यहाँ पे पानी फ्री होता है, ठीक है अगर जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए कुछ रुपये या पानी इतने रुपये लीटर था तब तक पानी हम लोग क्या मानेंगे उसमें फ्री मानेंगे, और यदि वो 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच दिया तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, आप समझिए मेरी बात। देखिए जब क्वेश्चन टाइप थर्ड का पहला क्वेश्चन है, देखिए 630 रुपये में उन्होंने 70 लीटर दूध खरीदा तो 1 लीटर दूध का दाम कितना था ये बताओ, 9 रुपये, और बेच भी रहा है वो कितने में, 9 रुपये में ही बेच रहे, समझिएगा ध्यान से, खरीद भी 9 रुपये में रहा था और बेच भी क्या करे वो 9 रुपये में, तो जो लाभ होगा जो इसका प्रॉफिट होगा ये बताइए, तो जितना का पानी मिलाया होगा पानी उसका प्रॉफिट होगा, और पानी भी चूंकि दूध के रेट में गया होगा बेचा गया होगा तो 1 रुपये 1 लीटर दूध का दाम था 9 रुपये, तो 5 लीटर पानी का मूल्य कितना हो जाएगा 45 रुपये, 45 रुपये तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा, और लास्ट में क्या था ये बताइए, 630 रुपये सीपी था उसका, और प्रतिशत पूछा गया था इंटू 100 कर देंगे आप, 0 से 0, 9 पंचे 45 और 9 सत्ते 63 यानी 50/7 हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन बताइए 7 से 1/7 प्रतिशत, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट, यानी जो पानी मिलाया गया था तो वो पानी मुफ्त में था लेकिन जो बेचा गया होगा तो दूध के रेट में बेचा गया होगा, तो 1 लीटर दूध की कीमत थी 9 रुपये, तो 5 लीटर पानी का कीमत कितना होगा 45 रुपये, बेचने वाला मूल्य की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, चलिए एक दुकानदार 15 किलोग्राम चावल 29 रुपये की दर से, देखिए अब जो एक 15 किलो चावल का मूल्य है 29 रुपीज पर केजी चल रहा है, ठीक है आप बताइए, तो 1 किलो का मूल्य 29 रुपये, तो 15 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा ये बताओ, 29 × 15 करोगे कितना, 15 × 3 = 45 और 450 से 15 जाएगा कितना 435 रुपये, टोटल मूल्य कितना हो जाएगा 435 रुपये। अब देखिए आगे 25 किलोग्राम चावल 20 रुपये के मूल्य से, तो यानी 25 किलोग्राम चावल 20 रुपये के मूल्य से, तो यानी कितना 500, तो 5 × 3 = 9, तो टोटल सीपी कितना रहा होगा, उन्होंने 935 रुपये का चावल खरीदा और उन सबको उन्होंने 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, तो पहले तो 15 किलो चावल था, अब 25 किलो कितना हो जाएगा 40 किलो इंटू 27 0 × 7 = 28 तो 4 × 2 = 8 = 10 1080 यानी बेचा कितने रुपए में ये बताइए, 1080 रुपये में, तो जो बीच का रुपये था उसका प्रॉफिट रहा होगा, तो 935 माइनस कर दीजिए यहाँ से, 10 से 5 जाएगा 5, 7 से 3 जाएगा 4 और 10 से 1 जाएगा 9, यानी 145 रुपये का क्या रहा होगा उसको दोस्तों, तो 145 रुपये का प्रॉफिट रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जहाँ जहाँ से चावल खरीदा उसको रेट हमने लगवा दिया और जितने में बेचा था वो भी रेट हमने क्या किया उसको दे दिया। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, समझिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर देखिएगा, एक दुकानदार 18 रुपये और 13 रुपये प्रति 100 ग्राम लागत वाली दो प्रकार की चाय 7.3 रेशियो, अब देखिए अगर ये मैं मान के चलूँ 7 और 3 का अनुपात रेशियो में है तो जो ग्राम का होगा इसको भी रेशियो में लेके आइए, यानी 18 रुपये 700 ग्राम खरीदा होगा तो कितना मूल्य होगा ये बताओ, 100 ग्राम का 18 तो 700 ग्राम का 126 रुपये हो जाएगा,
और यहीं पे 13 रुपये से 300 ग्राम का कितना हो जाएगा ये बताओ, 39 रुपये, 915, 3 2 5 1 6, यानी 165 रुपये में ख़रीदा और बेच कितने में रहा बताओ, 18.15 रुपये। तो 18.15 और टोटल केजी कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, जब इसको इंटू करोगे तो कितना 181.5 हो जाएगा। इंटू करके बताऊँ क्या, देखो 18150 आ जाएगा इंटू में, दो अंक के बाद दशमलव है यहाँ पे, तो यहाँ भी दो अंक के बाद दशमलव लगा दो तो 181.5 हो गया। अब देखो कितने रुपए का फ़ायदा हुआ उसको, तो 165 माइनस करके माइनस 11 से 5 जाएगा 6, 7 से 6 जाएगा, यानी 16.5 रुपये का फ़ायदा हुआ। आपसे ये पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है, 16.5 बट्टे में 165 सीपी रखा जाएगा, तो 165 × 100 लगेगा, 10 नीचे लगा दो क्योंकि दशमलव हटना है, तो 0 से 0 जाएगा 165 से एक बार में, यानी कितना हो जाएगा ये, तो 10% प्रॉफिट रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, पिछला वाला क्वेश्चन से थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा था, उसमें रुपए पूछे गए थे और इसमें आपको प्रॉफिट परसेंट पूछा गया था। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया, अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, ये कहा गया है एक ग्वाला दूध में पानी मिलाता है, एक ग्वाला दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को शुद्ध दूध के मूल लागत मूल्य पर बेचता है, प्रति लीटर दूध में कितने लीटर पानी की मात्रा मिलाई जाए कि उसको 25% का प्रॉफिट हो जाए। देखिए 25% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों, 1/4, अगर 4 दूध होगा तब 1 रुपये का फ़ायदा हो उसको, तो यानी टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा 5 और 5 पे 1 पानी मिलाएगा। ठीक है, तो यानी 1/5 सीधा सा आंसर हमारे क्वेश्चन का, बिल्कुल भी कोई झंझट नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ना ही कोई कैलकुलेशन, बिल्कुल आसान तरीके से देखते ही आप क्या करते इसको आंसर निकाल लेते। अगर इसी में पूछा जाता मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, तो दोस्तों मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो 4:1 होगा। ठीक है यहाँ से अब देखते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए क्या कहा गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 ये कहा गया, एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 70 रुपये और 20 किलोग्राम चावल 70.75 रुपये और दोनों प्रकार के चावल को 80.5 रुपये में बेच दिया तो उसका लाभ पूछा गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए 30 किलोग्राम चावल यानी ये केजी है, ठीक है 30 किलो 70 रुपये की दर से टोटल रेट कितना हो जाएगा बताओ, 2100। चलिए आगे 20 किलो चावल का मूल्य कितने रुपये से, 70.75 रुपये से, 70.75 रुपये से, अगर आप इसको इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 0 × 5 × 10 = 1 / 7 × 14 = 15 = 1, ठीक है और 7 × 14 दो अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 1415 रुपये का लाभ हुआ, सॉरी 20 किलो चावल बेचा। तो चलिए ऐड कीजिए 5 × 1 = 5 × 1 = 5 × 2 = 3, 3515 रुपये का क्या हुआ, सीपी रहा उसका, यानी खरीद मूल्य रहा और बेचा उन्होंने कितना 50 किलो 80.50 के मूल्य से 50, तो 2 0 पहले लगा दीजिए और 25 25, 2 बचा 2 और 8 5 40, यानी दो अंक के बाद दशमलव था, 2 0 के बाद दशमलव, यानी 4025 रुपये में बेचा तो कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, 5 से 5 = 0, 2 से 1 = 1 और 10 से 5 = 5, यानी 510 रुपये का फ़ायदा हुआ, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर है, तो 510 रुपये का फ़ायदा हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन हमने किए भी थे पहले। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों क्या कहा गया, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राम अपने पेट्रोल में 20% किरोसिन मिलाकर संपूर्ण पेट्रोल की कीमत पर बेचता है। ठीक है अब देखिए, यदि किरोसिन का क्रय मूल्य पेट्रोल के क्रय मूल्य से 40% है तो कुल लाभ कितना होगा ये समझ, अगर देखिए क्वेश्चन समझते हैं, अगर मान लो मैंने पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये मान लिया तो किरोसिन का प्राइस कितना हो जाएगा बताओ, 40% तो 40 रुपये। अब ये कहा गया देखिए 20% किरोसिन मिलाता है, यानी 20% का रेट कितना हो जाएगा ये बताओ इसका, यानी 8 रुपये किरोसिन का रेट हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये बताओ,
100 में अगर 8 पे बेचेगा, सीपी करेगा तो कितना हो जाएगा, यानी पेट्रोल जो बेचेगा वो कितने पे बेचेगा, वो 108 रुपए में, सॉरी 108 रुपए में उसका जो क्रय मूल्य पड़ जाएगा दोस्तों, सीपी जो पड़े, सॉरी एसपी, हाँ सीपी यानी क्रय मूल्य जो पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, 108 रुपए। लेकिन जब बेचेगा वो, यानी बेचेगा वो तो कितना, 20% ज़्यादा, यानी कितने में, 120 रुपए में बेचेगा। तो जो प्रॉफिट होगा उसका, प्रॉफिट कितने होगा ये बताओ, तो प्रॉफिट 12 बटे 108 इंटू 100, तो 12 9 108, यानी 100 बटे 9 कितना होगा ये बताओ, 11 सही 1 बटे 9, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 11.11%, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है, ये भी 2016 के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, एक दुकानदार प्रतिदिन 25 लीटर दूध 12 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदता है, उसमें 5 लीटर पानी मिलाकर 10 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर की दर से बेच देता है, उसके लाभ प्रतिशत कितना होगा ये बताना। आप देखिए, एक लीटर दूध का दाम है 12 रुपये, तो 25 लीटर दूध का दाम कितना हो जाएगा दोस्तों, 300 रुपये, और वो बेच कितना रहा है, 5 लीटर पानी मिला रहा है, तो 25 लीटर दूध और 5 लीटर पानी टोटल 30 हो जाएगा, क्योंकि दूध भी तो, पानी भी तो दूध के रेट पे जाएगा, और 10 रुपये 40 पैसे बेच देता है उनको, तो लगाइए इधर हिसाब कितना आ जाएगा, 0 8 4 3 12 4 3 12, 1 बचा 1, यहाँ पर लगा दीजिए, 3 1 3, और 2 0 लगाएंगे तो 2 अंक के बाद 10 लो, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है 2 अंक के बाद 10 लो। चलिए अब देखिए कितने रुपये का फ़ायदा हुआ इसका, यानी 300 रुपये में ख़रीदा था और 312 रुपये में बेच दिया, कितने 12 रुपये का फ़ायदा हुआ, 300 पे इंटू 100 करेंगे तो 2 0 से 2 0, 3 4 12, यानी 4% का फ़ायदा रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट आंसर है, यानी 4% का क्या रहा होगा, मतलब दूध बेचने वाले को 4% का फ़ायदा रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा गया देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए समझिए, 30 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी को 45 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 42 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ हो, जो 42 रुपये में बेच रहे हैं, देखिए बिल्कुल लगा दीजिए एलिगेशन 30 45, दोस्तों जब 42 रुपये में बेच रहा है ना तो उसको 20% का लाभ हो रहा है, यानी ये 120 का रेट है, हमें 100 का चाहिए, तो हटा दीजिए, 0 से 0 जाएगा, और किससे काटो, 3 से काटो, 3 6 12 और 3 से 14 जाएगा 2, और ये 42 ही था ना, 42 ठीक है, तो 120 0 से 0 जाएगा, और 3 6 12 3 1 3 6 12 ठीक है, अगर 2 से काटते 2 और 7 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, 2 5 10, यानी 7 5 35 35 आ गया यहाँ पे, ठीक है लगाइए ये 10 हो जाएगा, और ये 5 जो रेशियो निकल के आएगा दोस्तों, 2:1 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल देखिए पहला ही ऑप्शन जो आपका 2:1 है, तो ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, एलिगेशन लगाना था, देखिए ये 120% का आंसर था जो 42 था, तो आपको क्या करना था उस पर, उसको 100 पे लाना था और आंसर आपका आ जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी, सेम क्वेश्चन है देखते हैं, 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी 42 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चीनी के साथ मिलाया जाता है, और जो 56 रुपये में बेचता है ना दोस्तों, तो उसको 12% का लाभ होता है, यानी 56 जो 112 का मूल्य है, मेरे को क्या चाहिए 100 का, तो 56 2 नहीं 112, 2 से कटेगा 100, कितने बार में 50 बार में, तो 50 लगा दीजिए वहाँ पे, 60 से 50 जाएगा, देखो हमेशा बड़े वाले साइड से माइनस करना, और ये 8 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 4 और ये 5, तो जो आपका आंसर निकल के आएगा 4:5, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों सही आंसर है। बिल्कुल दोनों क्वेश्चन सेम थे और अगला क्वेश्चन भी सेम है, ठीक है, तो आप कीजिएगा इन क्वेश्चनों को भी सॉल्व। चलिए थर्ड टाइप का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों के सामने, देखिए 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चावल
हाँ मूल्य कोई नहीं, 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाला मूल्य 6.6 किलो मिलाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद 28 रुपये वाला प्रति किलोग्राम कितना मिलाया जाना चाहिए जो नमक को 29.90 रुपये में बेचकर 15% का लाभ हो। तो 15% यानी 100 + 15 115। देखो दशमलव हटाओ तो दो अंक है तो 20 लगा दो, 20 से 20 कट गया, 5 से काटेगा, 5 × 5 = 10, 5 × 3 = 15, 25 4 × 9 5 × 9 = 45, 5 × 8 = 40, 23 से काटे, 23 × 9 = 46, ठीक है 29.9, ठीक है 23 × 9 = 46। अगर आप 59 में से 46 को माइनस करो, 9 से 6 जाएगा 3 × 1 = 8, 23 छके बिल्कुल, तो ये 6 बार में जाएगा, यानी जो आंसर यानी जो कटेगा कितने बार में दोस्तों, ये तो 26 बार में कट जाएगा, तो 26 यहाँ पर रख लीजिए आप, तो 28 से 26 जाएगा 2 और इधर से जाएगा तो कितना 10 बचेगा, काटू क्या 1 = 5, यानी देखो 1 ना हो के वो 6.6 है, तो यहाँ पे अगर आप 6.6 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 6.6, 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 3 = 33, एक अंक के बाद दशमलव यानी 33 क्या किलोग्राम है क्या, तो 33 किलोग्राम मिलाया गया होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों इसका सही आंसर। तो टाइप थर्ड का लास्ट क्वेश्चन था, अब आपके पास लास्ट टाइप ही है, टाइप फोर। मिक्सर एलिगेशन में मैंने बताया था दोस्तों रेशियो का जरूर कर लीजिएगा आप लोग, और क्योंकि ये कम क्वेश्चन है और रेशियो में ही काफी क्वेश्चन थे इसके। अब बात करेंगे यहां से टाइप फोर का पहला क्वेश्चन, देखिए एक मिश्रण में 80% अम्ल और शेष जल है, तो 20% जल होगा, तो जल अम्ल और जल का अनुपात 4:3 करने के लिए कितना भाग निकाल दिया जाए तो उतनी ही मात्रा में मिलाई जाए, जल की मात्रा उतनी ही मिलाई, देखो जल मिलाया जा रहा है समझिएगा, तो 80% अम्ल है दोस्तों, 80 का फ्रैक्शन 4/5 होता है, तो अम्ल एंड वाटर, अगर 4 अम्ल है तो 1 वाटर हो जाएगा, अगले लाइन में 4 अम्ल है तो 3 वाटर, मिलाया क्या जा रहा है वाटर, वाटर अगर मिलाया जा रहा है तो एसिड को बराबर करेंगे और एसिड बाय डिफॉल्ट बराबर है, तो आपका आंसर देखते देखते आ भी गया, कितना निकाला गया बताओ, 2, टोटल मिश्रण कितना था 2/7, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, एसिड बराबर करना था, एसिड बराबर दे रखा था क्वेश्चन में। चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं, एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है और उसे 20% का लाभ भी होता है, और शुद्ध दूध अगर 10 रुपये हो तो दूध और पानी का अनुपात, जब अनुपात पूछे तो सिंपल एलिगेशन लगा दीजिए दोस्तों, देखिए मिल्क का रेट कितना है 10 रुपये और वाटर का रेट कितना मैंने बताया था 0, जब वो 9 रुपये बेच रहे हैं ना तो उसको 20% का लाभ हो रहा है, यानी 120 का रेट है, मेरे को 100 का चाहिए, तो 0 से 0 जाएगा, ठीक है, और कैसे जाएगा बताओ, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 2 × 5 यानी 15/2 क्या 7.5 लिख सकता हूँ इसको, तो आप बताएंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं 7.5, तो आ जाइए 10 से 7.5 माइनस करोगे कितना 2.5 और ये कितना हो जाएगा 7.5, 25, 25 = 75 यानी 3:1 रहा होगा मिल्क एंड वाटर, 3:1 ऑप्शन नंबर एक सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। आप बताएंगे वाटर का 0 क्यों लिया, वाटर का रेट जो है 0 ही होता है, बताया था मैंने अगर नहीं कुछ दे तो आपको 0 लेना है, हाँ कभी बिस्लरी मिलेगा तो उसमें अगर बोल दे 10 रुपये लीटर या 20 रुपये लीटर जो भी है तो आपको लगाना पड़ेगा, रेट लगा दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पानी जब तक बोला ना जाए वो फ्री रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अभी क्वेश्चन नंबर 3 पिछले जो थर्ड सेट में था, थर्ड टाइप में चौथा क्वेश्चन सेम है, दुग्ध विक्रेता को 25% लाभ कमाने के लिए दूध और पानी को मिलाया जाए तो उसका रेशियो पूछा गया, देखिए 1/4 तो यानी कितना मिल्क कितना होगा ये बताओ, 4 और वाटर कितना हो जाएगा 1:4, ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर, अच्छा सॉरी 1:4 है क्योंकि उसमें वाटर और मिल्क पूछा गया है, तो 1:4 कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा, टाइप थर्ड का सेम ही क्वेश्चन सेम बता भी दिया मैंने, तो दोस्तों एलिगेशन का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा जा रहा है, देखिएगा ये
ये टायर टू का क्वेश्चन है 2018 का। 80 लीटर एथेनॉल को 20 लीटर निकाल कर उतना ही प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और यह प्रक्रिया दोबारा किया जाता है, तो आपको यह बताना है ड्रम में कितना पानी था, यानी एथेनॉल और पानी था। देखो तो जब बचा हुआ एथेनॉल जो आता है ना दोस्तों, तो देखिए जैसे मान लीजिए 20 लीटर निकाला गया 80 पे, तो यानी कितना 1/4, तो 4 पे 1 तो कितना 3 बचा, तो ये बचा हुआ एथेनॉल हुआ, बचा हुआ एथेनॉल, ये बचा हुआ क्या होगा एथेनॉल, और ये आरंभ में जो मतलब स्टार्ट में जो था वही होगा। तो अगेन ये प्रक्रिया की गई तो कितना हो जाएगा, तो 4 × 16 और 3 × 3 = 9, तो 16 × 9 के क्वेश्चन में कितना था ये बताइए, तो क्वेश्चन में 80 था, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई यहाँ से 16 × 5 = 6 से, और 9 में जब अगर 5 से इंटू करेंगे तो 9 × 5 = 6 कितना होगा 45, यानी पूरे डब्बे में कितना एथेनॉल बचा हुआ होगा 45 लीटर। तो पूछा गया जो बचा होगा पानी तो होगा 80 − 45 = 35 क्या होगा दोस्तों, तो वाटर होगा, 35 लीटर क्या होगा, तो वाटर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ एलिगेशन और मिक्सर एलिगेशन का चैप्टर कंप्लीट होता है, और काफ़ी सारे मास्टर वीडियो मैंने दे रखे हैं आप लोगों के, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आप लोगों को, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, और बेहद आसानी तरीके से ईजी कॉन्सेप्ट के साथ जो कोचिंग का ट्रिक जंक्शन यानी ट्रिक के साथ पढ़ाया गया है, बुक के अलग मेथड से आप लोग तो वहाँ से जाके देखिएगा, और इसी तरीके से एक और नया वीडियो आप लोगों के पास आ जाएगा, तब तक इसको देखिए आप लोग। तो चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो दोस्तों में शेयर भी कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।